लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सुरेंद्र जी से मिलना है। वो ऑफिस में है ऊपर। भास्कर, सुरेंद्र जी के पास लेके जाओ। हाँ, आओ। आइए। हाँ। वो वहां पे हैं। जाइए। हाँ। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए। हाँ, राम राय। अच्छा, आपने ही कॉल किया था ना? हाँ। आपने फोन पे कुछ नहीं बताया था। मैं मंगलापुरम से हूँ। कस्तूरबा सेवा मंदिर एक अनाथालय है। वो बुजुर्ग और बीमार लोगों के लिए है जिनके पास कोई सहारा नहीं है। हम लोग वहाँ के कार्यकर्ता हैं। हम लोग यहाँ जयप्रकाश से मिलने आए हैं। वो आपके रिश्तेदार हैं। आप समझा मैं। हाँ। आप गलत मत समझिएगा, पर उसने आपसे पैसे उधार लिए थे क्या? नहीं, मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ। मुझे उन्हें कुछ बताना है। अच्छी बात है। मुझे सिर्फ उनका एड्रेस ही नहीं, मुझे उनके बारे में कुछ डिटेल भी चाहिए। उसका कारण मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है बताने को, फिर भी बताता हूँ। अच्छा सुनिए, जेपी भाई घर पे हैं क्या? होंगे तो। भैया को बुलाइए ना, एक जरूरी काम है। माँ, भैया उठ गए क्या? क्या हुआ? दो लोग आए हैं, कह रहे हैं कि कुछ अर्जेंट काम है। प्रकाश, प्रकाश जा उसे बुला ला, पता नहीं और कितना सोएगा। जगाएंगे नहीं तो सोता ही रहेगा वो। प्रकाश बेटा, उठ जा बेटा। अरे प्रकाश, क्या है? दो लोग आपसे मिलने आए हैं, बड़े लोग लगते हैं। पूछ रहे थे कि
रियल एस्टेट ब्रोकर मिस्टर जय प्रकाश जी का रेसिडेंस यही है क्या? बेटा मुझे लगता है तुम्हारी तो निकल पड़ी। जय प्रकाश जी का रेसिडेंस? रेसिडेंस का मतलब होता है घर। हाँ वो मुझे पता है। वो कौन हो सकते हैं? उन्हें ऊपर बुला लूं क्या? चल हट। अच्छा अगर काम बन गया तो मेरे कमीशन के बारे में भूलना मत। हाँ। सुनो आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ क्या? बहुत बुरी बदबू आ रही है, मुंह धो के जाओ। जय प्रकाश भैया, सुबह सुबह लॉटरी। देख लूंगा तुझे। माँ चाय। आपको क्या चाहिए? वो ब्रिज के पास जो प्लॉट था वो तो बिक गया है ना? हाँ हाँ शायद। क्यों? उस प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर उन्हें कुछ मिला नहीं तो वो कहीं नहीं जाने वाले। राय के स्वभाव को तुम अच्छे से जानते हो। वो तो हर बात पे परेशानी खड़ी करता है, आपको तो पता ही है। इसमें मुश्किल क्या है? जाकर सिर्फ ये जगह दिखाना है, वो जगह दिखाना है, और कौन सा बड़ा काम करना है? जितना आसान आप समझ रहे हैं ये उतना आसान नहीं है। क्या मुसीबत है ये सब? मैं जाके राय को बुला के ये सारी बातें बता दूंगा, तुम जा सकते हो। आपके बिना कोई काम नहीं हो सकता है। क्या बकवास है ये। तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। ऐसे अनजान लोगों को बार बार घर पर क्यों बुला लेता है तू बेटा? मैंने उन्हें नहीं बुलाया, वो खुद आए थे। तो उन्हें ऐसा मौका देते ही क्यों हो? मेरी प्यारी प्यारी माँ, काश ऐसा होता कि पेरिस अबुबकरम, आलुकास जॉय एटनम, मलबार अहमद गोल्डकेम और रवि पिल्लाई जी आते, लेकिन अब क्या करें, वो मुझे जानते नहीं है ना। अरे ये बताओ तुमने राय को देखा क्या? हम उसे देख के क्या करेंगे भाई। तुम जाओ यहाँ से। सेचे। हाँ। वहाँ पे रेट बहुत बढ़ गया है। अगर हम देखेंगे तो ठीक नहीं होगा। अरे राय जी सही कह रहे हैं। जरा एक मिनट। क्या है बोलो। जरा इधर आओ ना। हाँ। हमें उन आदमियों को कुछ देना होगा। कौन से आदमी? वो जो वहाँ खड़े है। कौन है वो? हाँ वो उन्होंने ही हमें बताया था कि ये जगह बिकने वाली है। इस जगह को बेचने के बारे में तुमने उन्हें नहीं बताया था क्या? अब वो उन्होंने ही हमें बताया था ना। अरे भाई तुम मेरे साथ आओ। तुम्हें दुनिया के बारे में अब तक पता नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। अब भैया तुम ही बताओ कि मैं सबको पैसे कैसे दे पाऊंगा, इस तरह तो मैं कंगाल हो जाऊंगा भाई। कंगाल? क्या हुआ, क्या बात है? ये दोनों धंधा कर रहे हैं और इनके पास दो असिस्टेंट्स हैं, उनको भी कमीशन चाहिए भाई। यही तो समस्या है। एक बात जान लो, तुम्हें और हमीद को जो मिलेगा उसमें से ही तुम्हें देना होगा। दोबारा इस बात को लेके हमारे पास आने की जरूरत है। राय आप मेरे साथ। ठीक है। और सुनो, अगर खुद का गुजारा नहीं हो पा रहा है तो दूसरों के बारे में मत सोचो, पुल के पास आना। अगर वो हमें कुछ देंगे तो जो कुछ भी देंगे उसमें से हम तुम्हें भी दे देंगे, जा सकते हो। चल। और अब हम कितनी देर तक इस राय और जॉय के पीछे भागेंगे? हम ब्रोकर को तो संभाल सकते हैं, लेकिन इनके जैसे लोगों को संभालना मुश्किल होता है। अगर कोई पूछे तो उनसे भी कहना कि हम ब्रोकर हैं, उन्हीं के जैसे ब्रोकर हैं। अच्छा एक बात बता, तुम्हें पता है कि वो एक दिन में कितने सारे रुपए कमाते हैं? कितना? 1.5 करोड़ रुपए। हमें भी उन्हीं की तरह कुछ करना पड़ेगा, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हे भगवान, ये भी आ गया। वासु अंकल। देखो प्रकाश, तुमने उस तरह की कोशिश नहीं की जिस तरह मैंने तुम्हें बताया था। वो क्या वासु अंकल? ओ, जैसे तुम्हें पता ही नहीं है, बहुत पहले मैंने तुम्हें बीना के लिए दूल्हा ढूंढने को कहा था ना, और वो है कि अलग अलग कारण देकर मना करती जा रही है। अंकल मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बात बन नहीं रही। जब मैं कहता हूँ कि लड़की डॉक्टर है तो बात बिगड़ जाती है। लड़का कम से कम एक डॉक्टर तो होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। दूल्हा अगर व्यापारी हो तो भी चलेगा, व्यापारियों के पास बहुत पैसा होता है, और तुम खुद भी तो जमीन का सौदा करते हो, तुम कुछ कम हो। कमीशन देंगे ऐसा कहिए इसे, तब जाकर आपके काम में दिलचस्पी आएगी इसे। ये कोई पराया इंसान है क्या? इसकी माँ मेरी बहन की तरह है, तो अगर मैं इसे पैसे दूंगा भी तो क्या ये लेगा? पैसे लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं। हा? इनका प्रोफेशन है ये। अब
हम इसके लिए लड़का ढूंढ लेंगे अंकल। वो रियल स्टेट में काम करने वाले लड़के बहुत ही अच्छे हैं, और उन्हीं में से एक लड़का है जो मुझे बहुत जल्दी करोड़पति बनाना चाहता है। बहुत जल्दी करोड़पति बनना चाहता है, कैसे मुमकिन है? यही तो खासियत है इस फील्ड की अंकल, पलक झपकते ही एक आदमी बेचारी बन जाते हैं। सुनो, अभी अभी माथे में पूछ रही थी, ये सब बंद करो और पहले जाकर उनसे मिल लो। ठीक है ठीक है, मैं जाके आंटी से मिलता हूँ, है ना? तो मुझे अपने लिए लड़का ढूंढने के लिए कमीशन देना चाहती है? तो फिर और क्या कहती मैं उन्हें, अब जब मेरा दूल्हा रियल एस्टेट बिजनेस में लखपति हो गया है और फिर भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। अभी कुछ होने वाला है, तुझे देखना है कि क्या होने वाला है। नमस्ते जी। ये क्या हो रहा है? पहले तो तुम्हारा इसके साथ चक्कर छुप छुप के चलता था, अब घर पे ही शुरू हो गए? अब यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि घर होता चलो सुरेंद्र भैया। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम हॉल के रास्ते से गुजर रहे थे? अगर मैं बड़े भाई के रूप में आ गया तो ठीक नहीं होगा। तुम ही एक ऐसे आदमी जो अब तक मेरा साथ दे रहे थे, तुमने भी पार्टी बदल ली। तुम्हें तो पता है ना, इसका मेरे अलावा और भी दो भाई हैं, एक डॉक्टर है और दूसरा इंजीनियर है। पर तुम उनके जैसे नहीं हो, तुम ही हो जो राइस का व्यापार करते हो। तुम सपोर्ट कर रहे हो क्योंकि तुम एक रियल एस्टेट ब्रदर इन लॉ मिल जाएगा, है ना सुरेंद्र भैया? राइस का व्यापार करने से पहले मैंने यहाँ के एक अच्छे कॉलेज से बीकॉम किया है। और तुम कितने पढ़े हो? 9 पास है। टेंथ फेल हूँ कहने से तो अच्छा ही है ना? क्या हो रहा है? कुछ नहीं आंटी। प्रकाश, मैंने तुमसे कहा था मेरे लिए गाय का बछड़ा ले आओ। पहले इससे ये पूछ लो कि ये काम करने के लिए इसे कितना कमीशन चाहिए। नहीं, मुझसे कमीशन नहीं लेगा। गाय का बछड़ा और उसकी माँ दोनों लेकर आएगा। माँ मेरे लिए चाय लेकर आओ। तुम खाना नहीं खाओगी क्या? खाऊंगी ना। लैंड ब्रोकर, शादी का ब्रोकर और अब बछड़े का भी ब्रोकर। आहा। सुनो, एक जरूरी बात बतानी थी तुम्हें। मेरे पास एक ऑफर है, तुम हार आओगी क्या? क्यों नहीं आऊंगी, तुम चलो, मैं बाद में आ जाऊंगी। वैसे पैसे मत मांगना क्योंकि इस महीने पैसे की बहुत बड़की चल रही है। अरे चिंता मत करो, मैं कोई पैसे नहीं मांगने वाला, जल्दी आ जाना। राय की होटल आज बंद है, ऑर्केस्ट्रा का मजा ले रहे हैं। क्या बात है, सब ऑर्केस्ट्रा का मजा ले रहे हैं। जेपी, आजकल दिखाई नहीं देते हो। बहुत सारी मुसीबतें हैं। बहुत दिन हो गए तुम्हारा गाना नहीं। गाने का टाइम किधर है, काम में ही फंसा रहता हूँ। भाई आज तो तुम्हें गाना गाना ही पड़ेगा। नहीं, आजकल रियाज छूटा हुआ है। अरे कम से कम दो लाइन गा दो। हे राम, मुझे माइक दो। यदि आप हमें प्रिय प्राणेश्वरी। अच्छा भाई, सी वाली स्ट्रिंग। हाँ कंटिन्यू। अरे नहीं, चांस ही नहीं है, बीना आ गई, उसे जरूरी काम है। तुम्हें सिर्फ एक ही गाना आता है क्या? जब देखो यही गाना गाते रहते हो। हाँ, क्योंकि दूसरा गाना सीखने से कोई फायदा नहीं होता। एक इंसान को एक ही गाना अच्छे से सीखना चाहिए। और वैसे भी डॉक्टर्स को संगीत की समझ कहाँ होती है? ऐसा कोई भी डॉक्टर है क्या जो अच्छे से कोई गाना गा सकता है? है ना, डॉक्टर केजे जेसुदास। मैं एमबीबीएस वाले डॉक्टर की बात कर रहा हूँ। वो एमबीबीएस नहीं है क्या? नहीं, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है। मजाक बंद करो, इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया मुझे? हाँ, वो मैंने तुम्हें पहले बताया था ना कि वो कॉफी की जमीन जो डॉक्टर शीला कोशी की है वहाँ पर विराज पेटाई में। हाँ, उस जगह की डील हुई या नहीं? तुम कस्टमर ढूंढ रहे थे ना? हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, पर लोगों को थोड़ा विश्वास कम है। जो तुम्हें जानते हैं उन्हें पता है कि तुम फ्रॉड हो, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? उस जगह को बेचने की जिम्मेदारी हमें दी गई है, मैडम को एक पेपर पर साइन करनी होगी, तभी अगली पार्टी हम पर विश्वास करेगी, और ऐसा हुआ तो दूसरे ब्रोकर्स बीच में दखलंदाजी नहीं करेंगे। ये तो बहुत सीरियस मैटर है, इसके लिए मैनेजर या एडवोकेट से बात करनी होगी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना, हस्बैंड की अचानक मौत हो गई, बच्चा भी नहीं है, इसलिए वो ये जगह को छोड़कर बैंगलोर में सेटल होना चाहते हैं। तुम्हें जगह की बिक्री के बारे में पता ही है, अगर ओनर उसे आज बेचना चाहता है तो ब्रोकर्स उसे एक दिन पहले ही बेच देते हैं। हाँ ओके, तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा? वो जो तुम दहेज लाओगी ना, उसमें काफी कंसेशन दे दूंगा मैं। फिर मजाक करने लगे? अरे हेलो, ये केटीसी फिल्म्स है ना? ये अब केटीसी फिल्म्स नहीं है, अब ये रियल एस्टेट बिजनेस है। स्टेट? हाँ। कैसा स्टेट? स्टेट मतलब जमीन को बेचना और खरीदना। जेपी एंड सीएच रियल एस्टेट ग्रुप केटीसी फिल्म्स बंद करके चले गए हैं, और चंदू कुट्टी जो मालिक थे वो गायब हो गए हैं। अब मेरा दिमाग मत खराब कर। ये लो सर, चाय गरम गरम। तीन दे दे। और पाव? वो भी तू मुझे तीन दे दे।
मैंने आपको वो जमीन देखने के लिए कहा था, आप वहाँ गए क्या? वो जमीन खाली है। अगर उसे कोई खरीदेगा तो वो बेवकूफ होगा। मामूका ने मुझे बताया था। आपको पता है उन्होंने मुझे क्या कहा था? वहाँ पे एक पुरानी बिल्डिंग और जमीन है। जब मैंने पता किया ना तो वहाँ रेलवे स्टेशन था। चाय वहीं पे रख दो। पाव भी दूं? उसका फोन नहीं है अभी तक। वही है। हाँ बोलो। जेपी, मैंने शीला मैडम से बात की थी। तो क्या कहा उन्होंने? एस्टेट का सेल ऑथराइजेशन लेटर देने के लिए वो रेडी हो गई हैं। तुम जाकर ले लेना। इसका मतलब मुझे मरकारा जाकर लेना पड़ेगा? ए नहीं, तो वो तुम्हारे कॉर्पोरेट ऑफिस में भिजवा देंगे। तुम वहीं जाने की कोशिश करना। अच्छा है, कूलिंग ग्लास निकालना। चोरी सोच लेंगे, मत पहनी से। इसके कारण फिल्म स्टार ममूटी का नाम खराब हुआ है। हाँ। अरे सुनो, ये अपने पास रखना। मैं जयप्रकाश हूँ डॉक्टर। मुझे पता था तुम आओगे। बीना नहीं आई? अब उसकी हॉस्पिटल में ड्यूटी है। एक्चुअली उसे छुट्टी नहीं मिली। She's really committed to her profession. Nambiar, यहाँ ना, इन्हें अपने साथ ले जाओ। ये लोग यहाँ कैलिकट से आए हैं। वो पेपर्स इन्हें दे देना। नंबियार के साथ जी, अच्छा। हेलो मैम। तुम्हारा जय प्रकाश आया है। कॉन्ग्रेट्स, अच्छा आदमी है। थैंक्स मैम। अच्छा बीना, आई कॉल यू लेटर। ओके, मिल गए पेपर्स? जी। अब जल्दी से कोई बायर ढूंढ के ले आओ। ठीक है मैडम। हाँ। देखो भाई, इस बात का ध्यान रखना, ये काम जितनी जल्दी होगा तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जो भी इंक्वायरी के लिए आए उन्हें बोलिए कि जमीन दिख गई है। अरे हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? अगर कोई बेहतर ऑफर दे दे तो। नहीं नहीं, हम खुद ही कोई अच्छा सा बायर ले आएंगे। अब हम चले मैम। ठीक है, अगली बार बीना को अपने साथ लेकर आना, ठीक है? जरूर मैडम। नमस्ते। मरकार आ गया था एकदम स्टाइल से। मुझे तुम्हारे स्टाइल के बारे में नहीं सुनना, बताओ कि वहाँ क्या हुआ। मैंने डॉक्यूमेंट ले लिया है, 500 एकड़ कॉफी की जमीन बेचने का हक। एक एकड़ का 20 लाख रुपए है। पूरा कितना हुआ? ये सब कैलकुलेशन तुम ही कर लो, बताओ कितना हुआ। 5x2 होता है 10,000 करोड़। उसका कमीशन कितना होगा? फिर से मुझे क्यों पूछ रहे हो? 2.5 करोड़। तो मैं कौन हुआ? कौन? अगर पुराने लोगों की तरह कहूँ तो धनवान। मैं करोड़पति हूँ। उसके बाद आगे भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। हम प्रोजेक्ट्स के बारे में बाद में बात कर सकते हैं ना, पर जो काम हाथ में है उसे पूरा करो। तुम खरीदते वक्त तो बहुत होशियारी करते हो, वही होशियारी लौटाते वक्त भी दिखाया करो। अच्छा एक मिनट। हाँ क्या हुआ? मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। आप कौन? क्या चाहिए आपको? ये ऑफिस के बारे में। आपका मतलब ये कोई फिल्म का ऑफिस है? तो वो तो नीचे है। रियल एस्टेट। अच्छा, हाँ हाँ, अंदर आइए आइए, बैठिए। अच्छा बताइए, बात क्या है? बात आपके काम से ही जुड़ी हुई है। हाँ। मैं अपना रास्ता नहीं भूला। मुझे लगा ही था। मेरा नाम अच्युता मैनन है। ओह। मुझे एक प्रॉपर्टी बेचनी है जिसके लिए मुझे कंसल्टेशन चाहिए। अच्छा अच्छा, ये बात है, कंसल्ट करने आए। अच्छा ये बताइए कि आपको जो प्रॉपर्टी बेचनी है वो टाउन में ही है, नड़कविल। ओ, नड़कविल मतलब? वो बिलाती जाने वाली रोड है ना, उसके राइट साइड में 5 फीट आ गई है। 65 सेंट्स की जमीन है और उसके ऊपर एक पुराना घर। सीएचए, ये अच्युत मेनन सर है। कौन है? हाँ, अच्युत मेनन सर। ओ सर की एक प्रॉपर्टी है नड़कविल में, वो दरअसल वेंडेपेटा में ही है। वो 65 सेंट्स की जमीन है, पर घर बहुत पुराना है। मुझे वो जल्द से जल्द बेचना है।
घर का दाम कम होगा क्योंकि घर पुराना है। घर का दाम जो भी मिले वो काफी है। वो आपका ही घर है, आपके ही परिवार की जायदाद। ऐसा नहीं है, वो जगह मेरी बीवी के नाम पर है और अब वो जिंदा नहीं है। वो अच्छा। आपकी कोई औलाद नहीं है? प्रॉपर्टी का बंटवारा हो गया क्या? मेरे बच्चे विदेश में रहते हैं और वो यहाँ आना ही नहीं चाहते हैं। ये बेचने के बाद उन्हें बस पैसे चाहिए। उसके पेपर्स? क्या मैं उसे बेचने का हक रखता हूँ? क्या मैं उसका पति हूँ? क्या वो सच में मर चुके? यही सब ना। वो सारे सर्टिफिकेट्स और जिसके नाम पर नया सर्टिफिकेट बना है वो सारी चीजें जरूरी है। मेरे पास सारे सर्टिफिकेट्स रेडी हैं, ओरिजिनल का फोटो स्टेट और उसकी भी कॉपी है। यही सब चाहिए ना। हाँ, ये काफ़ी है। आप जाते टाइम अपना मोबाइल नंबर देकर जाइए, हम आपको कॉल करेंगे। मुझे मोबाइल रखने की आदत नहीं। अब तो कोई लैंडलाइन नंबर होगा क्या? मैं यहाँ आता जाता रहूँगा। अच्छा, अब मेरा घर और जमीन आपके सर्विलेंस में रहेगा और मैं अपने घर में रहूँगा। हाँ जी, ठीक है ठीक है, चलता हूँ। ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारे ऑफिस में कोई आदमी आया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी लगता है। यही वक्त है जब हमें कुछ बड़ा काम करना है। मैं राय से बात करता हूँ। ये सौदा हमने राय को संभालने देना होगा और उससे किसी भी तरह का कोई भी कमीशन नहीं देंगे हम। हाँ, मरकारा में जमीन और टाउन में 65 सेंट की जमीन, लक्ष्मी जी की कृपा होने वाली है हम पर। तो फिर राय को कॉल मत कर। तो फिर हम उससे मिलते हैं। ओके। बताओ ना वो कहाँ पर वो है? वो वहाँ बैठे हैं। राय, ये पहला केस है जो हमारे ऑफिस में आया है। तुम्हारा ऑफिस? अरे भाई, तुम्हारे पास ऑफिस कहाँ है? पलायत में। पलायत मार्केट के अंदर है क्या? अरे वो कॉर्पोरेशन बिल्डिंग के अंदर एक सिनेमा डिस्ट्रीब्यूशन रूम है जहाँ पे हिंदी फिल्म दिखाते हैं, उसी जगह इनका ऑफिस है। ओ, वो गोडाउन में है क्या? गोडाउन? वहाँ की जमीन का दाम ज्यादा आपको? अरे भाई, जो भी, वो कॉर्पोरेशन की जमीन में है ना। वैसे राय, अरे बैठो बैठो भाई, ये वेंडिपेटा केस हम संभाल लें क्या? हमें भी थोड़ा काम करने दो ना, है ना? क्या करना है जय? मैंने बेंगलुरु में सिरियक सर से बात की है, उन्होंने वो जमीन गूगल अर्थ पे देख के ओके कर दिया है। तो जाओ जाके दाम तय करो। ये एक ही सीटिंग में खत्म कर देंगे। जय, ये सीटिंग के बारे में बात कर रहा है। अमित, अल्लाह तुम्हारा भला करे। मुझे दिल से आशीर्वाद दो। बैठो यहाँ पे। सुनो, तुम्हें भेजने के लिए हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि तुम बहुत चालाक हो। और आप मेरे गुरु हैं। अपनी बाइक लो और निकल लो। चलो 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 जाओ। डॉक्यूमेंट्स मैंने वकील को दिखाए, सब सही है। हमें उसे एक नाम देना होगा। मेरा नाम अच्युत मेनन है ना? मैंने ये नाम तो तुम्हें बताया था, और क्या नाम चाहिए? तुम्हारे पास नाम नहीं है क्या? वो नाम देना ब्रोकर्स के लिए एक प्रथा है, हम उसे दाम तय करना कहते हैं। तो एक काम करो, पहले जरा घर तो देख लो। ठीक है। हाँ ओके। ऐसा लग रहा है जैसे मौसम खराब होने वाला है। मुझे लगता नहीं है कि इसकी डीलिंग में हम लोगों को कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। घर, माता पिता, जो नए पुराने बर्तन, फर्नीचर, बच्चे सब छोड़ के विदेश चले जाते हैं। एक सेंट के लिए वो कम से कम 10 लाख मांग सकता है। हाँ, वो एक रिटायर्ड आदमी है, जरा संभाल के बात करनी पड़ेगी। जब मैंने बेचने का फैसला किया था तो 2 लोग आए थे मेरे पास। मैंने 1 सेंट का 6 लाख तय किया था, उससे कम में बेचने का मेरा कोई इरादा नहीं। आजी, वो मार्केट भी थोड़ा मंदा चल रहा है ना, दुबई से लोगों का आना भी बंद हो गया। हाँ, वो कमर्शियल बिल्डिंग बनाने के लिए अब कॉर्पोरेशन ने बहुत सारे कानून बनाए हैं। कितना कार पार्किंग का एरिया होना चाहिए, कितने फ्लोर्स होने चाहिए, खुदाई की गहराई, बाप रे बाप, इतने सारे नियम है कि कोई भी अब घर बनाने से बहुत घबराता है। चोरी भी आजकल बहुत ज्यादा हो रही है। बहुत ज्यादा? बस बहुत हुआ। मुझे ब्रोकर्स की बनी बनाई बातें बिल्कुल नहीं सुननी है। ये सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। करेक्ट। मैं तुम्हें एक रेट बताता हूँ, अगर तुम्हें मंजूर हो तो आगे काम कर सकते हो। सर, आप बता सकते हो? मुझे 1 सेंट के 8 लाख रुपए चाहिए। 8? हाँ बाप रे, 8 लाख रुपए हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है। अब तुम्हारी बारी है, तुम अपना रेट मुझे बताओ। और अगर तुम्हें किसी से कुछ पूछना है तो तुम जा सकते हो।
एक मिनट। हाँ राय, हम यहाँ साइट पर ही हैं। हमारा फाइनल कितना होना चाहिए? जय लाइन पर प्रकाश है, हमें कितना बोलना चाहिए? उससे बोलो 9.5 लाख, सिरिये की 11 देने के लिए तैयार है। देखो भाई 9.5 हो सकता है। हम और कम कर सकते हैं क्या? वो तुम पे है। मुझे पता है आप रेट चेंज नहीं करेंगे, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, ये फाइनल है ना? हाँ बिल्कुल। ओके ओके। नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, कोजी कोड़े बाजार में कोई भी जगह उपलब्ध नहीं है। कोयलांडी, पायली या कहीं और जगह ढूंढना पड़ेगी। हाँ रकम बड़ी लग रही है, अगर तुम उसे फिर से बेचोगे तो दाम बढ़ जाएंगे, है ना? हाँ मैं उनके सामने ही खड़ा हूँ अभी। हाँ हाँ मैं उन्हें बता दूंगा, तुम आगे बढ़ो वरना दूसरी पार्टी आ जाएगी। ओह देखिए सर, मैं आपको दाम बता दूंगा, लेकिन हमें सौदा फाइनल करने के लिए कम से कम 1 महीने का वक्त चाहिए। 1 महीने के अंदर अंदर हम बता देंगे। तुम दाम बताओ ना। 7 लाख 1 सेंट का। सिर्फ 7 लाख? 7.5 लाख अच्छा सौदा है, हाथ बढ़ाइए। हाँ रजिस्ट्रेशन 1 महीने में होना चाहिए। कबूल है। मेरे MBBS बैच का गेट टुगेदर है, मैं उसके लिए छुट्टी ले रही हूँ, तुम्हें भी आना होगा। अरे मुझे क्यों आने को कह रही, मैं क्या करूँगा वहाँ? डॉक्टरों के बीच में मैं कहाँ शोभा दूंगा वहाँ पर? ऐसा लगेगा कि हंसों के झुंड के बीच में कोई कौवा उड़कर आ गया है। मेरे बैच में जिसकी भी शादी हुई है, एंगेजमेंट हुई है, सब अपने पार्टनर के साथ आ रहे हैं, तो मैं वहाँ अकेली कैसे जाऊँ? ये तुम्हारी गलती है। वो कैसे? हाँ मैंने तुमसे कहा था ना कि 10वीं क्लास पास ही मत करना, लेकिन तुम पास कर गई। इंटर कॉलेज में मत जाना लेकिन तुम गई। फिर मैंने कहा MBBS मत करना लेकिन तुमने किया। अब भुगतो तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे इंट्रोडक्शन में उनसे कहूँगी कि तुम एक बहुत बड़े रियल एस्टेट डीलर हो। हाँ लेकिन उसके लिए 2 शर्तें माननी पड़ेंगी। मंजूर है? क्या? मेरा वहाँ किसी से भी परिचय मत करवाना। दूसरी, मैं 2 पैग पी के आऊंगा। सिर्फ 2 पैग? अरे तुम अगर पैसे देती हो तो फिर तय करो कि कितना पीऊंगा। हाँ बहुत समय से मुझे एक डॉक्टर को सताना था, बड़ा मजा आने वाला है वहाँ। देखो जेबी, लो ये रहा सर, लीजिए पूरे 5 लाख टोकन के रूप में। मैंने तो मांगे ही नहीं थे। इसका मतलब ये है कि सौदा बिल्कुल पक्का है। तुम्हें जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। मैं इतनी बड़ी रकम नहीं संभाल सकता, कोई इसे पाने के लिए मेरी जान ले सकता है, ये तुम अपने पास ही रखो। देखिए ये रकम आप डिपॉजिट करवा सकते हैं बैंक में। लेकिन मेरे पास तो कोई बैंक अकाउंट है ही नहीं। आजकल तो हर आदमी के पास बैंक अकाउंट, ATM कार्ड और पैन नंबर होता है, ऊपर से इनकम टैक्स रेट भी। वो आपको एक बैंक अकाउंट खोल लेना चाहिए, एक बड़ी रकम आने वाली है ना। देखो मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं है जो ये फॉर्मेलिटीज को पूरी करने में मेरी मदद कर सके। उसकी चिंता छोड़ दीजिए आप, बस एक कॉल की जरूरत है और बैंक वाले खुद ही आ जाएंगे। ID, ID, I। अरे तुम लोग ठीक से बैठकर खा नहीं सकते क्या? दोनों कैसे गंदे तरीके से बैठे हो। दुल्हन डॉक्टर है ना? क्या? कुछ नहीं, एक पुरानी फिल्म का नाम बता रही थी। तो जब वो अभी बोलना था क्या? अब उसका सीक्वल आने वाला है ना, उसका नाम पता है क्या? दूल्हे ने SSLC पास कर लिया। पागल कहीं की। भैया वैसे आपको क्या लगता है, उसके घर वाले शादी के लिए मान जाएंगे? जब तक उसका बाप जिंदा है मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि आपको उनके मरने का इंतजार करना होगा? अगर वो खुद नहीं मरा तो हम किसी से मरवाते हैं। कौन? हाँ प्रदीप। आपने मारने की बात की और पुलिस पहले आ गई। अरे यूनिफॉर्म में क्यों आया हो? आओ बैठो ना, चाय पियो। माँ
ऑन ड्यूटी हूँ, तुम खा के बाहर आ जाओ, कुछ जरूरी बात करनी। क्या हुआ? डरने की ऐसी कोई बात नहीं है, नादा काबू प्रॉपर्टी की बिक्री का छोटा सा इशू है, मेरे पास कोई डिटेल्स नहीं है। कमिश्नर और एसीपी स्पॉट पर हैं, तुम्हें पुलिस स्टेशन पर बुलाया है। क्या हुआ प्रदीप? कोई समस्या नहीं है टीचर जी, सिर्फ स्टेटमेंट लेना है। मैंने सर के साथ जो डील हुई थी वो कैंसिल हो गई क्या? मैं एक मिनट में आता हूँ। सुनो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना प्रदीप भैया? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विजय सर, क्या समस्या है? सर, ये घर भिखारी का है, इसकी कुछ समस्या है। किसने बेचा है इस घर को? सर, ये घर विदेश मंत्री शंकर मेनन के पूर्वजों का घर है सर। वो मुझे पता है, ये हाँ। कमिश्नर और कलेक्टर भी उसके लिए ही आए हैं ना। हाँ। ये सौदा किया किसने? सर, ये सौदा उनके पिताजी ने किया था सर। यस ऑफ कोर्स, बायोलॉजिकली ही इज माय फादर, मुझसे अच्छा कौन जानेगा उस अच्युता मेनन को। जब मैं स्कूल में पढ़ाई कर रहा था वो घर छोड़ के चले गए, क्यों गए पता नहीं। जब मेरी माँ की बॉडी को दफना रहे थे तब शमशान में उन्हें देखा था, लोगों के बीच में। मेरी बहन और मुझे अच्छे से पता था कि मेरे माँ और बाप लीगली अलग हुए थे बहुत सालों पहले, लेकिन मेरी माँ ने हमें नहीं बताया था। एनीवे, मेरी बहन के यूएस जाने से पहले और मेरे दिल्ली जाने से पहले वो एक बार आए थे हम लोगों से मिलने के लिए। उन्होंने मुझसे रहने के लिए छत मांगी थी और मैंने उन्हें वो छत मुहैया करवाई। बाद में मुझे पता चला कि वो अब उस घर को बेचना चाहते हैं, बट ही कांट डू दिस क्योंकि उनके पास ऐसा कोई अधिकार है ही नहीं। हमें पता चला है कि एक बायर ने आके एडवांस में टोकन दिया है 5 लाख। यस, उन्होंने उसे एक यहाँ के नए बैंक में IDBI, हाँ वही, उसी में डिपॉजिट करवाया है। वो आपको बायर्स को वापस करना होगा और 25,000 मैं दे दूंगा। सर, आपसे मिलने के लिए ब्रोकर्स आए हुए हैं। अंदर भेज दो। सर, अब तक आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। सर, देखो उस एग्रीमेंट की जो ओरिजिनल कॉपी है उसे ऑफिस में जमा करवा दीजिए, समझ गए? हम आ जाएंगे सर। तुम्हें बैंक से पैसे निकाल कर उन्हें वापस लौटा देना होगा। सर, अभी तक उन्हें चेकबुक मिली नहीं है और बिना चेकबुक के बैंक से कैश निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। वो मुझे पता था कि उनके पास बेचने का कोई अधिकार नहीं है, अगर आप चाहें तो हम उसे अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। बेंगलुरु की पार्टी भी रेडी है, जैसे भी हो हम सौदा करवा देंगे। हमने उनसे कहा था कि 7.5 पे लेगा, लेकिन आप वो दाम मत सोचिए। 8.5-8.75। हाँ, हमें वो एक ही सेटिंग में निपटा देना होगा। हाँ, इन्हें लेकर जाओ। हेलो, चलो बाहर, चलो बाहर, चलो चलो, आप भी चलिए बाहर, चलिए। धक्का, चलिए। वन मोर थिंग, मीडिया को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, समझे? अब तुम दोनों को सावधान रहना होगा। We'll be right back.
हमारी किस्मत में यही होना लिखा था क्या? सीएचए कैसे आराम से बैठा, जरा देखो, मन तो करो दूं एक बस। हाँ, बेचारा। अच्छा, बेचारा बच्चों को धोखा देकर घर बेचना चाहता था, फ्रॉड। बच्चे, उनके बेटे ने उन्हें छोड़ दिया है। पता है, उसे अपने पिता पर सिर्फ थोड़ा सा पैसा खर्च करने की जरूरत है, लेकिन नहीं, कोट और सूट पहनने से सच्चाई छुपती नहीं है। मुझे सब धोखा देके करने से बचना था, पर मैं समझ गया था कि और कोई आसान रास्ता नहीं है। मैं अपनी गलती के लिए कोई भी सजा पाने को तैयार हूँ, बस मारना मत, मैं दर्द सह नहीं पाऊंगा, और उससे तुम्हें भी कोई खास फायदा तो होगा नहीं, तो उसकी जरूरत नहीं है। कहाँ जा रहे हो? वहाँ पर बड़ी रेल की पटरियाँ हैं ना, वहाँ जा रहा हूँ। किसी यात्रा पर जा रहे हो या अपनी जान देने जा रहे हो? दोनों के लिए सही है। वो तो मैंने अभी तक तय नहीं किया। जय, देखो कौन आया है। क्या तुम एडवांस के 5 लाख लेकर आए हो? ओह, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ये लोग तब क्या बोल रहे थे? एक सेंट का 7.5 ले रही थी और हम 9.5 ले रहे थे। 2 लाख एक सेंट पे। पूरे 65 सेंट की ये जमीन है, 1,30,00,000 का शुद्ध लाभ। पैसा कमाना इतना आसान है क्या? सुनो, हमारा इतिहास लोगों को पेड़ पर चढ़ाने का है, लेकिन पेड़ पर चढ़ने वाले को हर एक कदम पर सावधानी बरतनी चाहिए। किसे धंधे में मुनाफा कमाने की इच्छा नहीं होती? अब धंधे में सबको एक जैसा तो नहीं कमाता ना, ऐसा नहीं होता। और रियल स्टेट के धंधे में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये आप ही ने तो सिखाया ना। हाँ बिल्कुल सिखाया था मैंने, लेकिन हर धंधे के लिए इंडिया में कुछ नियम कानून भी हैं। देखो राय, हमारे इंडिया का जन्म ही एक बहुत बड़े रियल एस्टेट के सौदे से हुआ है। ब्रिटिशर्स ने जब ये प्रॉपर्टी हमें वापस की तो इसके मैनेजर की पोस्ट के लिए बहुत झगड़ा हुआ। 2 हिस्सों में देश को बांट दो, 2 नाम दे दो उसे, 2 पार्टी के नाम पर रजिस्ट्री कर दो, तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई ना। उसके बाद हमने रियल एस्टेट के सारे पैतरे सीख लिया और वही अब तक दोहरा रहे हैं हम लोग। और क्या? देखो, उन्हें कोई सोशल स्टडीज का पाठ मत पढ़ाओ, हम चलते हैं। अगर कोई काम आया तो आप हमें याद कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपसे मिल रहे। देखिए, भूलिएगा नहीं। चलो, ठीक है ठीक है। माँ चाय। उठ गए साहबजादे। मनी चेन, डिस्ट्रिक्ट जज ने खोए 75 लाख। ओह, डिस्ट्रिक्ट जज भी खोते हैं क्या? ये पैसे रियल एस्टेट में जाना चाहिए। तूने एक औरत को धोखा दिया है कि अगर वो रियल एस्टेट में पैसे डालेगी तो पैसे दुगने हो जाएंगे। वो औरत कौन है? वो औरत है तेरी माँ। ओ माँ, तुम्हें उन पैसों का 3 गुना मिलेगा जो तुमने जरूरत के वक्त मुझे दिया था। अभी जरा मार्केट थोड़ा मंदा चल रहा है। मार्केट से मुझे क्या लेना देना, मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए। मैंने जो पैसे लगाए थे मुझे वो पैसे वापस चाहिए बस। क्या कहा? इंटरेस्ट नहीं चाहिए, सिर्फ जो पैसा दिया वही चाहिए? ठीक है, वो कौन सी बड़ी बात है, सिर्फ 3 ही लाख रुपए तो है। ओह, तेरे लिए ये रकम छोटी है। अगर तेरी शर्ट की पॉकेट में ढूंढूंगी तो 30 रुपए भी नहीं मिलेंगे मुझे। किसी बड़े बिजनेसमैन की जेब में भी नहीं मिलेंगे, इतने कम पैसे वो लोग अपनी जेब में नहीं रखते। अरे कहाँ जा रही हो ये साड़ी पहन के? कहीं नहीं जा रही। तो फिर इतनी सज धज क्यों? वो आ रहे हैं ना। वो कौन? ओफो, प्रकाश भैया, वो आ रहे हैं, सतीश और उनका परिवार। ओहो, सगाई के लिए आज ही है क्या? वो सगाई के लिए नहीं आ रहे हैं, आज सिर्फ बातचीत करने आ रहे हैं वो लोग। उनसे ठीक तरह से बात करना, तारीख के बारे में बात कर लेना और पूछ लेना कि उन्हें क्या क्या सामान चाहिए और कितने जेवर चाहिए। सारी बातें तुझे ही करनी होगी। और मेरे 3 लाख कब देना है अभी बता मुझे, बहुत बेवकूफ बना लिया मुझे अब, बस और नहीं। उस 3 लाख के अलावा यहाँ वहाँ से थोड़े और पैसों का इंतजाम करके हम जल्दी से इसकी शादी करवा देंगे। अच्छा माँ, इसकी शादी की उम्र हो गई क्या? अब तू ऐसी बातें करके मेरा मुंह मत खुलवा, चल जा जाकर नहा ले, वो लोग आते ही होंगे। इस पूरे शहर के सबसे नामचीन रियल एस्टेट ब्रोकर की बहन की शादी है ये, धूमधाम से तो होनी चाहिए।
रियल एस्टेट ब्रोकर की माँ और बहन को समझना होगा कि मेरी हालत क्या है। अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है माँ। वो ऐसा ही करेगा, मैं जानती थी कि वो गड़बड़ जरूर करेगा। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ये घर और जमीन बेचकर तेरी शादी करवा दूंगी और बाकी पैसे बैंक खाते में डलवा दूंगी, उसे एक पैसा नहीं दूंगी, देख लेना। ये तो बेस्ट आइडिया है, पर माँ आप कहाँ जाएंगी? मैं काशी चली जाऊंगी। ये तो आपका बहुत पुराना और आउटडेटेड डायलॉग है, कोई नया डायलॉग मारो ना माँ। मैं नहाने जा रही हूँ, तब तक वो निकम्मा आ ही जाएगा। यहाँ पे कोई है क्या? मुझे जयप्रकाश से मिलना है। वो तो यहाँ पर नहीं है। वो अभी आएगा क्या? हम लोग भी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं, आइए बैठिए ना। पहले मैं मिलने उसके ऑफिस गया था, गणेशन ने मुझे यहाँ का पता बताया। गणेशन ने बहुत बार कॉल किया पर कॉल नहीं लगा। आप कुछ लेंगे? अगर कोई तकलीफ ना हो तो एक कप चाय। खाने के लिए कुछ लाऊं? चाय काफी है, चाय। चाय के साथ दो इडली लाऊं तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा चलेगा। ऐसे क्या काम था, जमीन बेचनी या खरीदनी है क्या? हाँ ऐसा ही कुछ काम था, इसलिए मैं उससे मिलने आया हूँ। पर अब मैं यहाँ आया हूँ कि अगर वो मेरे लायक कोई काम बता दे तो मैं कोई भी काम जो मैं इस उम्र में आराम से कर पाऊँ। मैं इस पे बस इतना कहूँगी कि काम दिलाने के लिए वो सही आदमी है। हे भगवान। क्या हुआ? ये जरूर मेरे भैया का काम है, इतने सारे लोगों को यहाँ भेज दिया। ओके ये प्लेट ले जाओ। हाँ, चाय लेकर आऊँ? मेरी भूख मिट गई, अब मुझे चाय तो नहीं चाहिए, वो मैं बाद में ले लूंगा। हाँ। आइए आइए। नमस्ते। आइए बैठिए। आओ भाई आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या बात है। आपको मैंने कहीं देखा है? नहीं पहली बार मिले। आप जाने पहचाने लग रहे हो, मैं आपको जानता हूं क्या? मैं बैठो बैठो बेटा, प्रकाश जरा बाहर गया है, आ रहा होगा। लेकिन अब हम चलना चाहेंगे, वो क्या है कि एक आदमी की तबीयत बहुत खराब है, उसे मिलना बहुत जरूरी है हमारा। डेट के बारे में मैं, हमने नवंबर 26 को शनिवार का दिन तय किया है, सब लोग शादी में आ पाएंगे क्योंकि वो छुट्टी का दिन होता है, आप क्या कहती हैं? ठीक है, जैसा आप लोगों को सही लगे। नवंबर 26 शायद अच्छी तारीख नहीं है, बड़े ज्योतिषियों ने तो कुछ ऐसा ही कहा है। वो दिन अच्छा नहीं होता जब शनिवार और ज्येष्ठा एक साथ आ जाती है। जब शनिवार और ज्येष्ठा एक साथ आ जाती है तो वो दोष होता है, हालांकि वो इतने बड़े ज्योतिषी नहीं है। ठीक है, फिर नवंबर 21 की तारीख को सोमवार है, वो दिन ठीक रहेगा। हाँ वो तारीख सही है, 21 नवंबर को आप रख सकते हो क्योंकि तब कृष्णाष्टमी है और वो एक अच्छा दिन भी है। चाहे तो आप अपने ज्योतिषी से भी पूछ सकते हो, वैसे मैं इतना जानता हूँ कि ये तारीख शुभ है। ओ, तब फिर ठीक है, नवंबर 21 तारीख शुभ दिन है। आपको तो सब पता ही है। अच्छा आप अपनी बेटी के दहेज में कितना देंगे?
क्या है कि लोग पूछेंगे तो आखिर हमें भी जवाब तो देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि भाई समाज में हमारा बहुत ज्यादा रुतबा है। किसी को ये पसंद नहीं आएगा अगर हम दहेज में पैसे दे तो, इसलिए सोने का जेवर दे तो अच्छा होगा। कितनी अजीब बात है कि लोगों की सोच अब तक नहीं बदली, कुछ भी नहीं बदला। ये शादी एक सौदा होता है जो माता पिता करते हैं, लेकिन सबसे मजे की बात, एक लड़का और लड़की अगर ये निर्णय ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम दहेज के लिए नहीं आए, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए। तो फिर ये बात करते समय उनके प्यार को नजरअंदाज कैसे कर दिया? मुझे एक बात ये बताओ, क्या वो पैसों के लिए इतनी आसानी से इस प्यार को भूल जाएंगे क्या? मैं यहाँ किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, अभी भी सब वही करते हैं जो उनके पूर्वजों ने उन्हें सिखाया था, पर अफसोस उन्हें जवान लोगों पे दया नहीं आती है। जब वो लड़की देखते हैं तो ये पूछने के बजाय कि क्या वाकई वो उन्हें पसंद करती है या नहीं, ये पूछते हैं कि आखिर उसके पास जमीन जायदाद कितनी है, तो फिर बात थोड़ी आसान हो जाती है। सॉरी, हम दहेज के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो हमें माफ कर दीजिए। हाँ, अरे नहीं नहीं, हम तो बस ये जानने के लिए आए थे, यही मकसद था। हाँ, तुम्हें जानना था, तुम्हें जानना चाहिए कि दहेज कम होगा कि नहीं, इससे एक शांत परिवार का वातावरण पूरी तरह से बिगड़ जाता है। नहीं सर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरी कोई डिमांड नहीं है, अगर रजिस्टर ऑफिस में भी शादी करनी होगी तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। एक अच्छी जिंदगी का जो तुम्हारा वादा है इस लड़की से, वो दहेज के कुछ जेवरों से कहीं ज्यादा कीमती है, और किसी को भी ऐसे जेवर को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आप पूछ रहे थे ना कि मैं कौन हूं, तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं एक अनजान आदमी हूं, और हाँ, अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगा तो मैं माफी चाहता हूं। नहीं सर, आपने जो कुछ भी कहा है वो अपने अनुभव से ही कहा है। जब मैं आज यहां भूखा आया था तो ये बच्ची मुझे बिना जाने खाना देने को तैयार थी। इसका मन तुम्हारे लिए दहेज से कहीं ज्यादा कीमती होना चाहिए। चलता हूं मैं, खुश रहो बेटी। फैजल। हाँ, जानता हूँ। वो जो गोल्डन चिट कंपनी चलाता है उसी पप्पन भाई का है ये। हमने सुना है कि ये बिक रहा है। ये अभी तक बिका तो नहीं है, पर पार्टी ने एडवांस पैसे जरूर दे दिए हैं, पर धंधा मंदा इसलिए पार्टी ने खरीदने का विचार ही छोड़ दिया है। हाँ, कितना मांग रहे हैं? देखिए, वो लोग तो कम से कम 100 करोड़ के आसपास मांग रहे हैं, लेकिन 85 या 90 करोड़ इतना ही जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं होने वाला, मैं पक्का कह रहा हूँ। वैसे मैं एक बात बताऊँ, मामला संभालने के लिए बड़ी टीम चाहिए। बहन का फोन है। हे, क्या हुआ? हो सकता है कोई घर का काम हो। हे, मुझे दे जरा। हाँ बोलो। भैया है क्या? हाँ देता हूँ, देता हूँ, ये लो, बात करो। सब सही हो गया है भैया, अब निडर होके घर आ जाइए। सतीश को कोई पैसे नहीं चाहिए और ना सोना चाहिए, फ्री डिलीवरी लेने के लिए तैयार है वो। वो जो मैनन सर है ना, उन्होंने बात की, अब आपको उनकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। रेलवे स्टेशन से लेके आ रहा हूँ। ढूंढने में मुश्किल हुई। ए, बक्सा अंदर रख दे। आओ। रेलवे रिटायरिंग रूम में और कितने दिन रहोगे? अगर आपको आपत्ति ना हो तो आप हमारे साथ रह सकते हैं। हमारी जिंदगी एक बंजारे की जिंदगी जैसी है, कभी भूखे रहते हैं तो कभी बहुत खाना होता है। आपने नौकरी के बारे में पूछा था ना, मैंने सुना, हम ढूंढेंगे। बहुत शुक्रिया, पर मैं किसी पे बोझ नहीं बनूंगा, तुम जब चाहो मैं तब खाली कर दूंगा। मुझे आपकी मदद चाहिए थी, मेरी बहन की शादी बिना किसी रुकावट के संपन्न हो जाएगी, उसका कारण सिर्फ आप हो। सीएचए, जब तक इनके लिए नौकरी और रहने के लिए घर नहीं ढूंढ लेते तब तक ये यहीं पर रहेंगे। डूबते हुए नाव में बैठने के लिए तुमसे कोई टिकट नहीं पूछेगा, उन्हें आने दो, अच्छे दिन पर आप यहाँ हमारे पास आए हैं। मतलब विराजपेटा से सैमुअल ने फोन किया था, शीला कोसी की जमीन
पीरूटी की कोई पार्टी है, उसने बेच दी है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जमीन बेचने का ऑथराइजेशन तो हमारे पास था। ऑथराइजेशन का खत पढ़ा दो और गणेश को बोलो कि वो चाय बना कर ले आए। उस सौदे से हमें 2.5 करोड़ कमीशन मिलने वाला था। देखो, हम कुछ भी करें लेकिन राय और जय की तरह बिल्कुल नहीं बन सकते। हम फोन क्यों नहीं करते शीला कोशी को? हम बोल सकते हैं कि उसने ये ठीक नहीं किया, मन को शांति मिलेगी। हमें जाके उनसे खुद मिलना चाहिए। जब तुम जाओगे तो एक प्री डेटेड स्टैम्प पेपर लेकर जाना, ये कह के कि ये जमीन किसी और पार्टी को बेचने का तय हो गया है, और उसके साथ एडवांस अमाउंट का चेक होना चाहिए। इससे पार्टी इम्प्रेस हो जाती है और इज्जत से वो उनके सामने रख देना। और ये आदमी कौन है? ऐसा तो कोई नहीं है। है ना, मैं हूं ना बायर। और चेक का क्या? मेरे पास एक पुरानी चेकबुक है ना, IDIDI बैंक की। हाँ। और स्टैम्प पेपर भी होगा। अगर वो कहेगी कि जगह बिक गई तो? वो ऐसा नहीं कहेगी, वो इसलिए क्योंकि ये चीटिंग होगी जो उसने तुम्हारे साथ की है। उसका कंपनसेशन हमें मिलना चाहिए, नहीं तो उसे कह देना कि उसे कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। हमें उनसे कितना मांगना चाहिए? पूरे 5 या जो भी मिले वो लेके जरूर आ जाना। ये सही होगा क्या? वो बिल्कुल नादान है। वो सब भूल जाओ, आजकल कोई नादान नहीं होता है। जब नाव डूब रही हो तो सबसे पहले भागने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ यही होना चाहिए कि तुम्हें 2.5 करोड़ के बजाय सिर्फ 25 लाख मिल रहे हैं, क्या बुराई है इसमें? इतने साल से आप कहाँ थे? अरे भाई, हमने तो पहले ही कहा था कि अगर बेहतर ऑफर आएगा तो हम सौदा कर लेंगे। देखिए, हम यहाँ पर आपके पास खाली हाथ नहीं आए हैं। हमने पार्टी से दाम फिक्स किया 20 लाख रुपए एकड़ का, उन्होंने 25 लाख रुपए एडवांस भी दे दिया है हमें। ये देखो। लेकिन जयप्रकाश, हमने जुबान दे दी है, उन्होंने एक छोटी सी रकम भी दी है एडवांस के तौर पर, इसीलिए। लेकिन उससे पहले आपको हमें बताना चाहिए था ना। ये मेरी गलती है, आई एडमिट। मैडम, आप मैनेजर से खुद ही बात कर सकती हैं क्या? अगर वो छोड़ने को राजी हो गए तो हम चले जाएंगे। अरे ऐसे कैसे छोड़ेंगे, मेनन सर नहीं छोड़ने वाले। से जरा चुप रहो। हाँ गणेश, जरा मेनन सर को दो। सर, जेपी भाई का फोन। लो। लेकिन मुझसे किसी ने नहीं कहा कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो प्रकाश। आप ही उनसे बात कर लीजिए ना, स्पीकर पर डाल देता हूँ। लाइए मैडम, करोड़पति है और तकलीफ देने वाला भी। अगर उन्हें ये बात पता चल गई कि ये जमीन उनके हाथ से गई तो वो मुझे मरवाने में कसर नहीं छोड़ेंगे। वो कहते हैं कि इस माली आइलैंड में उनका संबंध अंडरवर्ल्ड से। मेनन सर जो जमीन खरीदना चाहते थे उनके हाथ से निकल गई। आप हमारे बारे में सोचिए, कम से कम 25 लाख रुपए का कमीशन था हमारा इसमें। हाँ, हम मेनन सर को संभाल लेंगे उनके हाथ पैर जोड़कर, लेकिन अगर हमें कुछ नहीं मिला तो आप हमें इसका कॉम्पनसेशन दे दीजिए। ठीक है, हाउ मच? ये क्या है मैडम, हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए। ये मुझे दो मैडम, इस पेपर से हम उस सौदे को रोक सकते हैं, आप जानती हैं ना। ऐसा मत सोचो सीएचए, वो हमें कुछ दे देंगी। अगर हमें उतना मिल जाता तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पर अगर वो हमें काम करने के लिए कहेंगी तो फिर हमें काम करना पड़ेगा ना। अब फिगर पे इतनी जिद नहीं करना चाहिए। बात ये है कि आ गए हैं। आपने जो कहा था ये वही ब्रोकर्स हैं क्या? बहुत ही थ्रेटिंग हो ऐसा सुना है मैंने। आओ,
वकील आया है, पुलिस भी आएगी क्या? अगर मुझे कुछ गड़बड़ लगा तो भाग जाएंगे। यहाँ की पुलिस बहुत चौकन्ना रहती है, कैसे भागेंगे हम? क्या सोचा था, हमें 5 लाख मांगना है और अगर 2.5 करोड़ में मिले तो ले लेंगे। मैंने लगता मरवाने के लिए अच्छा प्लान बनाया है, अगर कम रकम है तो भी हम ले लेंगे। हम पूछ के देखें क्या? रजिस्ट्रेशन रोकने के लिए डॉक्टर के साइन किए हुए सारे ऑथराइजेशन काफी है। उनको पैसे दे दो और सारे पेपर ले लो। 25 लाख बहुत ज्यादा है, आप एक बार और सोच लीजिए। अगर वो कोर्ट चले गए तो वो हमें बहुत तकलीफ दे सकते हैं, तो हमें भी साथ में जाना पड़ेगा, वही बात है। उन सब के लिए मेरे पास समय नहीं है, जो भी है उन्हें दे देते हैं। वाह, तुमने धमकी दिया उसके कारण नहीं, पर हमें टेंशन नहीं लेना है और तुम्हें वो पेपर हमें देना होगा, और जो पेपर मैं तुम्हें दूंगा तुम्हें उस पे साइन करना होगा, तुम्हें 25 मिल जाएंगे। हाँ, 25 मतलब क्या? 25,000 25 लाख। हाँ, 25 लाख उतने में हो जाएगा क्या? तुम्हें मानना ही होगा। नेगोशिएशन जैसी छोटी बात से बचने के लिए मैंने एक अच्छा अमाउंट बताया है। हम तय करेंगे कि काफी है या नहीं, अब उससे ज्यादा हम कर भी कह सकते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। पच्चीस लाख इन इंडियन रुपीस। हमें बीना को बता देना चाहिए था, ये थोड़ी गलती हो गई। अगर ये बोल दिया होता तो ये पैसे अभी शीला कोशी के बैंक अकाउंट में ही होते और तुम भिखारियों की तरह इधर उधर घूमते रहते। अगर तुम बेशर्मी से पैसे लोगे तो पैसा बदलना शर्मी की बात होगी, ये ज्ञान सत्य है। अगर ये 25 लाख तुम्हें दे दिए तो तुम्हारी सारी समस्या हल हो जाएगी ना? ऐसा नहीं है, बस थोड़ी राहत मिल जाएगी। मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, मुझे काम पे जाने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारा ये पैसा किसी ने चुरा लिया तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा ना? सिर्फ एक दुख होगा। कैसा दुख होगा? तो मेरी मैयत पर नहीं आ पाओगे, मैं तुम्हें मारकर जेल चला जाऊंगा। चल जाए यहाँ से और चल लेके आ। ऐसे बार बार गिनोगे तो पैसे ज्यादा नहीं हो जाएंगे? मुझे थोड़ी खुशी मिलती है, पता नहीं है यहाँ पे कब तक रहने वाले हैं, छू करके अच्छा लगता है। हमें छूने के लिए कुछ खरीदना नहीं चाहिए क्या? अच्छा है, मैं जाके खरीदता हूँ। जाना पकाता रहता है। इंटरनेट ठीक हो गया ना सर? हाँ ठीक हो गया गणेश। यहाँ पर पहले कनेक्शन था, पर यहाँ के बड़े लोगों को पसंद नहीं आ रहा था कि हर महीने बिल आए। हाँ, पर अब हम बिल आराम से भर सकते हैं। यस, मे आई कम इन? इंग्लिश नहीं जानता होगा। हाँ, कोई बात नहीं। क्या है? पापा। पापा चाहिए? हाँ। तुम्हारा मतलब साइकिल शॉप वाला? 2 दिन से यहाँ नहीं आया, वो है उसका कमरा। हमें इस एड्रेस पर आने के लिए कहा है, उन्होंने हमें कहा था कि वो हमें यहीं पर मिलेंगे। हे भगवान, वो कौन हो सकता है? चंदू कुट्टी की माँ हो, हमारा केटी? गणेश, उन्हें अंदर आने दो। आइए आइए। मेन आंसर उनके पापा है क्या? पर पापा कैसे हो सकते ये? पापा, 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 मेरे पापा, मेरे मेरे पापा। इतनी देर क्यों हो गई? हमें 2 बस बदलनी पड़ी, अगर यहाँ नहीं आते तो बहुत परेशान करता, आपसे मिलने की बहुत जिद कर रहा था। मेरे मेरे पापा। हाँ 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 पापा। हाँ, अब आपका पैर का दर्द कैसा है? वैसे तुमने कुछ खाया कि नहीं? मैंने दोपहर में क्या खाया था, मुझे पराठा मटन चाहिए। पराठा और मटन, पराठा और मटन। गणेश। हाँ, मेरे पास पैसे हैं, मैं ले आऊंगा। पराठा और मटन।
देंगे 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 वो, तुम चुप रहो, शांत हो जाओ। वो उनके बेटे और बेटी हैं क्या? हाँ। वो मेनन क्रिश्चियन कैसे हो सकता है? धर्म और जात बच्चा पैदा करने के लिए कोई समस्या नहीं है, बस जो बच्चा पैदा होता है उसकी समस्या होती है। ये तो मुझे एक सस्पेंस थ्रिलर की तरह लग रहा है। अच्छा वो तुम्हारी माँ? जब से घर छोड़ा है उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। कुरिया को उसने तुम्हें घर से बाहर निकाला था ना? तब तो हमें सिर्फ 6 लाख ही मिले थे, जबकि अगर देखा जाए तो हमें पूरे 25 लाख मिलने चाहिए थे। हमें पेपर्स भी तब मिलेंगे जब हम पैसे देंगे। उन्होंने कहा कि उसके बाद ही हम वहाँ पर रह सकते हैं। एक दिन अचानक उन्होंने घर पर ताला मारा और चले गए। उस वजह से हमारी बहुत बदनामी हो गई, रहना मुश्किल हो गया था, इसीलिए वहाँ से चले आए। अभी भी एक चाय वाले की दुकान के पास ही रह रहे हैं। दूसरों के घर में जाकर काम करती हूँ, तभी 2 वक्त का खाना मिल पाता है। अगर आप वहाँ आकर थोड़ी पैसों की मदद कर देंगे तो कुरिया को समय वो घर वापस दे देगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि आज घर चला जाऊं, इनकी भी 2500 समस्याएं हैं। तुम इस बक्से के अंदर रहो, मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा। ये लीजिए, मैं ले आया। मेरी परोठा मटन, परोठा और मटन, परोठा और मटन, परोठा और मटन। थोड़ा पानी मिलेगा क्या? हाँ, मैं भी लाता हूँ। परोठा और मटन, ऐसी हरकत मत करो। परोठा और मटन, परोठा और मटन, दे रही हूँ, परोठा और मटन। अभी तुम यहीं पर रुको, कल सुबह चले जाना। मैरी, हम कल जा सकते हैं? चुपचाप से पहले ये खा लो। हम कल जा सकते हैं? कल जा सकते हैं ना? ईश्वर, बताओ ना, परोठा और मटन। बाहर निकाल ले तो दो। परोठा और मटन। वो मेरे बच्चे हैं, उनके जन्म के वक्त मेरे पास बहुत अच्छे कपड़े थे। ऐसा जलवा था उस वक्त गोपाल अच्युत मेनन का, समझे? एक ब्लेड कंपनी के ओनर के लिए घर और जमीन जो मैंने उनके लिए बनाई थी, माँ और 2 बच्चे उस वजह से रोड पे आ गए। मुझे मदद करनी होगी, हालांकि मेरे पैर खड़े होने के लिए इतने मजबूत नहीं, पर मैं उन्हें देख के अपनी आंख बंद नहीं कर सकता। मेनन सर, इसके अंदर 25 लाख रुपए है और यह पैसा मेनन सर ने अपनी बुद्धि से कमाया है। अगर ये बटेगा तो हम इसमें से अपना हिस्सा नहीं लेंगे। तो फिर ये बताइए कि आपको इसमें से कितना चाहिए? मुझे 500 रुपये चाहिए उन्हें सुबह वापस भेजने के लिए। हाँ? क्या मैं विदेश फोन कर सकता हूँ जयप्रकाश के फोन से? ISD है मेरे फोन में। और उसके अलावा मुझे ड्रिंक्स चाहिए, दिमाग के अंधेरी गुफा में मुझे थोड़ा उजाला करना है। मैंने सर वो एक बात पूछनी थी आपसे कि आप असल में हैं कौन? ১৯৬০ की शुरुआत में मैंने
लाओ मुझे फोन दो जरा। अब आप आधी रात को क्यों फोन कर रहे हैं? हम अंधेरे में हैं, धरती के दूसरे हिस्से में अभी सुबह हो चुकी है। अमेरिका में मेरी बेटी और जिनेवा में मेरा बेटा रहता है ना। विदेश की भाषा में उसे क्या कहते हैं, वो एक स्टेप ब्रदर और एक स्टेप सिस्टर एक चाय की दुकान के पास एक घर में रह सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। उसी तरह अपनी जमीन वापस पाने के लिए दो बच्चे दूसरे दो बच्चों पे इमोशनल ब्लैकमेल तो कर ही सकते हैं। भाई साहब हाँ? दो कॉफी। ठीक है। जब सीएचए का फोन आया तो पता है क्या मालूम पड़ा? अमेरिका की बेटी और जेनेवा का बेटा इंटरनेट के जरिए रूबरू हुए। वेब कैमरा का क्या? नहीं नहीं, कैमरा नहीं, डायलॉग के जरिए। वो एक धमकी वाला लेटर था कि वो खुदकुशी करके नौकरी देगा। और कुछ चाहिए? नहीं कुछ नहीं। ठीक है। कौन सी नौकरी? वो एक गरीब पिता का लेटर था जिसके दो अच्छे भले बच्चे थे लेकिन वो भूखे मर रहा था। वो उनके लिए क्यों चिंता करेंगे? उनकी माँ और मैनन कानूनी तौर पर अलग हुए थे। हाँ, ना? ये तो कोर्ट के जरिए मिला हुआ न्याय है, लेकिन बेटे बेटी से रिश्ता तो अलग ही होता है ना। वो यूएन में सेक्रेटरी जनरल के पद पर। सेक्रेटरी जनरल है क्या? हाँ, वो भारत की तरफ से सेक्रेटरी जनरल के पद के लिए खड़ा हो सकता है। अगर ऐसी न्यूज आई तो नेशनल मीडिया उत्सव मनाएगी। वो उस देश में एक परदेशी, ऊपर से एक इंडियन है, तो चांसेस बहुत अच्छे बनते हैं। आखिर में हुआ क्या ये बताओ। कुछ नहीं, आखिर में 25 लाख रुपए देने के लिए बच्चे मान गए। ऐसे काम में तुम सच में माहिर हो। तुम बिल भर दोगी ना? कोई गोल्डन मॉल खरीदने के लिए आ रहा है। वो बंदा एनआरआई है, सीएचए मेरा इंतजार कर रहा है। ये पैसों का मामला है। नमस्ते सर। कैसे हो तुम? जी मैं ठीक हूँ। जॉय भैया हम वो यही प्रॉपर्टी है। वो कोट वाला आदमी कौन है? उसे नहीं पहचानते हो क्या? नहीं तो। वो मधुसूदन पणिक्कर है। वो दुबई और अफ्रीका में काम करता है। ये सब उसके लिए बहुत ही मामूली बात है। हमें इस विषय पर बात करना ही होगा। उसे पद्मश्री मिल चुका है क्या? मैंने सुना है उसे इस बार मिल जाएगा। वो बहुत जिद्दी है तो मैं देख नहीं रहा। तुम उस आदमी को जानते हो? नहीं। ये है गोल्डी भाई। ओह, ये इस भटारा उसके पास है? पैसे इतने हैं कि वो जो गाड़ी चाहे वो गाड़ी खरीद सकता है, लेकिन इतना बड़ा कंजूस है कि पिछली 4 पीढ़ियों से यही गाड़ी चला रहा है वो। ऐसा ही उसका स्वभाव। ये तब तक उस स्कूटर पर घूमता रहेगा जब तक उसके मन में जो चल रहा है वो ठीक नहीं हो जाता। नमस्ते गोल्डी भाई। नमस्ते राजी। आप क्लब गए थे क्या? कैसे हो जय? पहले से थोड़े ज्यादा मोटे हो गए हो। झूठ मत बोलो। अरे ये कौन है? अहमद जी यार। अम्मा मुझे ऐसे मत बुलाइए। मैं तो बुलाऊंगा, मेरे नाम में ही गोल्ड है। तुम तो अपने गोल्ड के बिजनेस में बहुत ही माहिर हो। टैंकर सर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आज आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। अच्छा राय जी, क्या हम लोग यहाँ से कहीं चल के बैठ के बात करें क्या? तो फिर हमारे घर चलो। अच्छा वहाँ जा रहे हैं। अगर वो हमारे साथ नहीं है तो हमारा काम बिगड़ सकता है। चल जल्दी चलते हैं। अरे भाई बंद मत करो, हम आ रहे हैं।
मेरी वाइफ के मरे 5-6 साल हो गए। मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा अमेरिका में है, नासा में साइंटिस्ट है। उसने एक विदेशी लड़की से शादी कर ली है और वहीं पे सेटल हो चुका है। उसकी वाइफ भी नासा में ही काम करती है। मेरी बेटी उससे छोटी है, वो बेंगलुरु में डॉक्टर है। उसका पति भी डॉक्टर है। मैं सोच रहा हूँ कि उसे अब यहाँ लेके आ जाऊँ। उसे वैसा करने दो। क्यों, तुम्हें उसे कोई आपत्ति है क्या? लेकिन मैं तो खुश हूँ। ये कैलिकट मेडिकल सेंटर खरीदने की वजह यही है, इसलिए हालत थोड़ी अभी टाइट है। तो सोच रहा हूँ इस शॉपिंग मॉल को बेच के अपनी टेंशन खत्म करो। शॉपिंग मॉल? ये मॉल क्या होता है? मॉल नहीं रे, मॉल। अच्छा, मॉल। लेकिन उसके बाद और एक समस्या के खड़ी हो गई। अमेरिका से मेरे बेटे ने फोन किया कि उसे 25 लाख रुपए चाहिए। उसे उसके ससुर को देना था। अच्छा राय जी, मैंने आपसे कितना एडवांस मांगा था? 15 लाख आपने मांगा था गोल्डी भाई। अच्छा, अब मैंने वो बदल दिया है, मुझे अब 25 लाख चाहिए। से अच्छे अब हमारा काम बिगड़ जाएगा। क्यों? देखो, चाहे 25 हो या 50, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मुझे सारे पैसे व्हाइट मनी में ही चाहिए। ये क्या है राय, ये तो सारे पैसे व्हाइट में मांग रहे हैं। उसकी चिंता मत करो, मेरे पास उसका हल है। सबसे पहले आप राजी होइए 85 करोड़ पे, क्या बोलते हैं? तुमने तो कहा था 100 करोड़ तक मिलेंगे और अब 85 करोड़ की बात कर रहे हो। पहले हमें इन्हें साइन करके देना होगा। पानीकर सर कल दुबई चले जाएंगे। अच्छा, मुझे कागज पे लिखने विकने पे भरोसा नहीं है, मुझे तो अपनी जुबान पे भरोसा है। मैं किसी को धोखा नहीं देता, ना धोखेबाजों के साथ हाथ मिलाता हूँ। ये तो बस एक फॉर्मेलिटी है। अगर ऐसी बात है तो मुझे काफी पैसे भेजने होंगे। देखो, अगर आज मुझे 25 लाख रुपए नहीं मिले ना, तो मैं ये सौदा किसी और से कर लूंगा। अरे भाई रामू, हाँ, मेरे लिए डोसा बनाओ। अच्छा, मेरे पास लोगों की कमी नहीं है, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? पानीकर सर के लिए अच्छी बिरयानी लेके आना राय जी, किसी को भेज दो। आपको पसंद है ना चिकन बिरयानी? अहमद, हमें बात करनी होगी। देखिए, हमें बात करनी होगी। ओ, राय, ये लड़के कौन है? ये हमारे ही लड़के हैं। ओ, मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? एक बात ध्यान से सुन लो राय, कमीशन खाने के लिए दलालों के यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। इसे दो, उसे दो, ये बीच में है, वो बीच में, ये सब मुझे नहीं सुनना है। अरे नहीं नहीं, वो सब कुछ मैं देख लूंगा। कमीना, किसी भी कीमत में मत करना, 85 अच्छा दाम है। सीएचए, जरा गणेश को कॉल। गोल्डी भाई, जैसा तुमने कहा, हम एडवांस के रूप में 25 तुम्हें टोकन दे देंगे। पेमेंट मिलने के बाद ही एग्रीमेंट होगा, रजिस्ट्रेशन 3 महीने के अंदर हो जाएगा। अगर कोई और होता तो 6 महीने का समय लेते, लेकिन हम 3 महीने में काम खत्म कर देंगे। देखो राय, मुझे मेरे पैसे आज ही चाहिए। पैसे दोगे उसके बाद आगे की बात होगी। लेकिन आज तो संडे है ना, कोई भी इतने पैसे घर पर नहीं रखता है। कल बैंक खुलेगा, कैश मिल जाएगा। देखिए, पैसे मुझे आज चाहिए मतलब आज ही चाहिए। मेरे पास वैसे भी बहुत से काम है, कब तक दिमाग खर्च करूंगा? आपको इतना जिद्दी नहीं होना चाहिए। पानीकर सर, मैं आपसे इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि बहुत जरूरत है। मुझे गलत मत समझिएगा, अब आप लोग उसे भूल जाइए। वैसे भी उसे खरीदने के लिए बहुत लोग लाइन में है। वो मेरे कॉल का इंतजार कर रहे हैं। उसे भूल जाइए और आप लोग जा सकते हैं। अरे रामू, भूख लगी है। अगर आप 10 मिनट रुक जाएंगे तो आपको 25 मिल जाएंगे। वो बस आ ही रहा है। अरे भाई, 25 मतलब 25 लाख, तुम क्या समझ रहे हो? मैं भी बस यही कह रहा हूँ कि 25 लाख यहाँ पर आ रहे हैं। सुनने में अच्छा लग रहा है, तुम पैसे कहाँ से मंगा रहे हो? जी पालियत से। वो यहाँ आ जाएंगे। तुमसे पैसे किसने मांगे भाई? जो ऐसा मत कहो। अगर उसने 25 लाख रुपए की व्यवस्था कर ली है तो बहुत होशियार है। तुम्हारा नाम क्या है? जय प्रकाश। वाह, आओ। हटो हटो। कौन सी पिक्चर, तू क्या करेगा जान के? अच्छा, ओ, आओ आओ। कौन लेके आने वाला है? राय, उस पे चिल्लाओ। अरे तुम चुप रहो, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। भाई मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि इनका सौदा पूरा हो जाए। वो पैसे मेरे पास कल आ जाएंगे। कैश आ गया है।
गोल्डी भाई आप गिन लीजिए ना। मैं गिन लूंगा और अगर कुछ पैसे कम हुए हैं तो मैं तुमसे मांग लूंगा। क्या नाम बताया तुमने? जय प्रकाश। भाई भाई, अरे राय लड़का तो बहुत होशियार है। राय इधर आइए। एक मिनट। हमें इसकी जरूरत है क्या? पर समस्या क्या है? कल सुबह 25 लड़के को वापस कर देंगे। अरे वो ऐसा आदमी है जिसकी जुबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो अपनी जुबान से मुकर जाता है। फिर पेनकर साहब आप ये मत कहना कि हमने आपको धोखा दिया है। तुम्हें जैसा ठीक लगे वो करो। मुझे प्रॉपर्टी पसंद आई है, प्राइस भी रिजनेबल है। अरे उसी अच्छी जगह मैं आपको दूंगा, वो भी उसके आसपास। मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्या बोलते हो? अगर दूसरी जगह है तो? अपने सम्मत भाई का मॉल बैंक रोड पे है, वो भी उसे बेचना चाहते हैं। 1,00,000 स्क्वायर फीट है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाने दो। उस आदमी से सौदा करने की जरूरत नहीं है, चलिए यहाँ से। ओके। क्या हुआ रहा है? तुम्हारी सीक्रेट मीटिंग खत्म हो गई क्या? भाई हमने सब कुछ तय कर लिया है, वो तुम्हें हम बाद में बता देंगे। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तो हम चले? हाँ जाइए। चलिए चलते हैं मिस्टर पापन। मैं ले लूँ ये। क्या कैश? हाँ ले लो। राय और जॉय को हमारे बीच में नाक घुसाना पसंद नहीं आया। मुझे समझ में आ गया। अब अरे जय चले गए बोलो। चले गए तो तुम्हें सच में जगह पसंद है क्या? समय बर्बाद मत कर, पैसा रख दे। अब गोल्डी भाई आपने ऐसा क्यों पूछा? गोल्डी भाई मजाक कर रहे थे। मुझे मजाक पसंद नहीं है। मैं ये पूछ रहा था कि अगर तुम्हें जगह पसंद है तो पैसे रखो और शेखहैंड करो। पूरे 85 करोड़ और 1 एकड़ जमीन, 1,00,000 स्क्वायर फीट की इमारत, 4 मॉल, 100 गाड़ियों की पार्किंग, तुम्हें चाहिए क्या? चाहिए जेपी। आज तारीख है 13, 21 तारीख को 1 करोड़, 1 करोड़ मुझे ब्लैक में चाहिए। रजिस्ट्रेशन का टाइम 3 महीने में, रेडी हो तो शेक हैंड्स। रेडी? क्या रेडी? अरे तू पागल हो गया क्या? सेच है। तुम्हें सब कुछ याद रहेगा ना? 21 तारीख को मुझे 1 करोड़ चाहिए, और अगर किसी कारण से तुम इसे नहीं दे पाए तो तुम्हारे दिए हुए 25 लाख भी जाएंगे, क्योंकि मैंने पेपर साइन नहीं किया है। गोल्डी भाई, जिंदगी में हम पहली बार 25 लाख रुपए देख रहे हैं, वो आपके कदमों में रखे हैं। हम अपनी बात नहीं रख पाएंगे और पैसे चले जाएंगे। हमारे पास कोई ताकत नहीं कि हम आपसे वो पैसे ले लें। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं 21 को आऊँगा 1 करोड़ के साथ। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारा समय बहुत कीमती है। इस दुनिया में बड़ा वही बनता है जिसने बड़ी हिम्मत की होती है। अरे रामू, हाँ? इसे ले जाके अंदर रख दो। अच्छा। तुम खाना चाहोगे? डोसा है? नहीं भैया, अब फिर किसी और दिन खाएंगे। हाँ सेच है। अच्छा सुनो, वो बक्सा रख दो जिसमें कैश लाए हो। बक्सा अच्छा है, सामान रख सकता हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मेरे रिश्तेदार का घर है, ये मेरे दामाद का घर है जो अमेरिका में रहता है।
उसने मुझसे कहा कि 25 लाख मैं यहाँ से ले लूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ 25 लाख देने आए थे। जल्दी करिए वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। हाँ, जरूरी खबर होगी तो आपको बता देंगे, ऑफिस में मिलेंगे। हाँ ठीक है। सीएचए, तुम्हें पता है कि बात क्या है? नहीं, लेकिन ये कौन से 25 लाख के लिए आए हैं? अरे उस दिन वाले, हाँ? जिनका घर ब्लेड कंपनी के लोगों ने ले लिया है, मेनन सर के बच्चे, उनकी समस्या हल करने के लिए। अमेरिका की बेटी और बेटा जो कि दिल्ली में ऑफिसर है, जिन्हें धमकी देके ये दिया है, ये वही है। ओ, वो 25 और ये 25, बेटी के पति का मतलब गोल्डी भाई का बेटा। हाँ हाँ, समझ गया। बिल्कुल नहीं, हाँ? तुम पूरी तरह नहीं समझ पाए। क्या 25 लाख जो हमने गोल्डी को दिए हैं, वो मेनन सर के साथ फिर से हमारे ऑफिस में आएंगे। अब चल गाड़ी स्टार्ट कर। जब मेनन को जरूरत पड़ी तब लोग दिखे ही नहीं, कोई भी नहीं दिखता। उस वक्त मुद्दल और सूद भी नहीं थे। मुझे पता है उसे क्या तकलीफ हुई है। लोग बोलते थे कि बहुत गलत काम हुआ है, और अब देखो 25 लाख आ गए हैं। अब तक तुम दोनों कहाँ थे? गाड़ी सर्विसिंग के लिए दी थी, उसे लेने गए थे। हमें मिरकारा तक जाना है ना। ये 25 लाख और पहले के 50 लाख दोनों के दोनों माँ के पास हैं। उन्हें देने के लिए कहो। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। मेनन ने 25 लाख देकर अपना पुराना खाता बंद कर दिया है, इसीलिए मैं कैश दे पा रहा हूँ जो उस औरत ने मांगे थे। अगर ये घर और जमीन बेचना होगा तो बताइएगा, एक अच्छी पार्टी है। कुछ गलत मत सोचना, वो रियल एस्टेट का बिजनेस करता है। अभी उसे मेरकारा में एक होटल बेचनी है। अगर तुम मुझे डॉक्यूमेंट्स दे दोगे और दूसरे पेपर जो लिख के साइन किए गए थे तो तुम जा सकते थे। ओह, वो सब तैयार है। पता नहीं नंबियार को क्या हो गया, उसने तुम्हें ये बात क्यों बताई? नहीं बताता तो तुम्हें पता नहीं चलती। पर मैडम, आपको पैसे देने से पहले मुझे एक बार बुलाना चाहिए था ना। अरे अब रहने दो, इस बात को बार बार दोहरा के क्या फायदा। हाँ, जयप्रकाश की नजर में एक बहुत अच्छी तरकीब थी, इसलिए मैंने पैसे दे दिए। अगर ये अपने जरिए बिकवा देता तो अच्छा होता, इससे उसमें और ज्यादा अमाउंट मिलता। मुझे नहीं लगता ये गलत है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है। क्या कहते हो जयप्रकाश? मुझे सपोर्ट देने के बजाय आपको मेरी पिटाई करनी चाहिए। दीना ने बिल्कुल सही कहा, हमने जो किया वो फ्रॉड ही था। हे, अब जिस दिन वो 25 लाख रुपए आपको वापस मिलेंगे उसी दिन मुझे शांति मिलेगी। मेरी वजह से आपने पैसे दिए ना, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। अगर हमें एक अच्छी जिंदगी जीनी है तो ये जरूरी है। अरे अब छोड़ो, वो 25 लाख समझो मैंने जयप्रकाश को अपनी मर्जी से दिए हैं। इसके लिए इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? वो पैसे अगर तुम दोनों की शादी में काम आ जाए तो मुझे खुशी ही होगी। वैसे भी इतने सारे पैसों की मुझे क्या जरूरत, मेरे कोई बच्चे भी नहीं है। इस बुढ़ापे में इतने पैसे रख के मैं करूंगी क्या? हाँ, इससे अच्छा तुम्हारे काम आ जाए। मैडम, क्या बात है नामबियार? जिन्होंने चाय की जमीन खरीदी है उनका बेटा आया है, उन्हें अंदर बुला लूं? अच्छा, तुम ही उससे मिलके बात कर लो। उन्हें फर्स्ट पेमेंट आपसे मिलकर आपके हाथ में ही देना है। ओके, तो हम चलते हैं। अरे बैठो ना, अभी आती हूँ। आओ। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। इसमें 25 कैश है और 50 का चेक है, जैसा आप चाहती थी। ओके। अगले हफ्ते अपने पिता के साथ आऊंगा, उन्हें जगह दिखानी है। ये सारी बातें आप नंबियार से कर लेना। ओके ठीक है डॉक्टर, चलो।
अरे क्यों ना रुक के कहीं किसी से पूछ लो। आगे चलते हैं। यहां पर रोको जरा। यहां पे भीड़ कैसी है? जरा हटना भाई। सब कुछ देखा जो मुझे कभी नहीं देखना चाहिए था। मेरी जिंदगी ने मुझे ये देखने पे बुरी तरह से मजबूर कर दिया। मेरी बेटी और बेटे ने खुदकुशी कर ली। बस हुआ जयप्रकाश, अब मैं यहां से जा रहा हूं। मैं कहीं जाके मर जाऊंगा क्योंकि अब मेरी प्रार्थना कोई नहीं सुनेगा। वैसे भी मैं भगवान में यकीन नहीं करता, मैं सिर्फ अपना आशीर्वाद दे सकता हूँ। अगर ऐसा कोई दिन आएगा तो उसे देखने के लिए आपको हमारे साथ ही रहना होगा सर। अगर जहाज तूफान के कारण किनारे पर आता है तो फिर उसके अंदर रहते हैं। अब उसका कोई फायदा नहीं। मेरे पास बस बदकिस्मती और चतुराई है, पर मैं अच्छा बन जाऊंगा अगर मैंने तुम दोनों को मिला दिया तो। और अगर इसके ये सारे सपने पूरे नहीं हुए तो हमें नई शुरुआत करनी चाहिए। मुझे अपने माँ बाप का घर छोड़कर अब इसके साथ रहना होगा। हमारे पास जीने के लिए बहुत थोड़े पैसे ही हैं। उस सब के बारे में सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। चाहे सुख हो या दुख हो, हमें उसे बताना चाहिए। मैं वेडिंग सेंटर के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ। नो डाउट इट्स आइडियल। हम जाके लीज एग्रीमेंट क्यों नहीं लेते हैं मिस्टर जयप्रकाश? फुल 25 इयर्स लीज। पर वो मैं सिर्फ ये बेच सकता हूँ। मैं एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाला हूँ, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। सच में इस अवस्था में इसे होल्ड करना मुश्किल है। ओके जैसी आपकी मर्जी। जयप्रकाश 95 करोड़ कहा ना तुमने, ये नेगोशिएबल है क्या? हाँ हाँ, छोटे एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं सर। एडवांस हम त्रिशूर में देंगे। हाँ? अगर तुम्हें विश्वास है तो घर आना होगा और माँ के हाथों से लेना होगा। हाँ, क्यों नहीं, मैं आऊंगा जरूर। हेलो स्वामी, मैं बोल रहा हूँ।
हाँ राइन। ये किसका नाम लिया? अभी मैं तुम्हारे कोझीकोड के जमीन पर हूँ। क्या हुआ? बात तकरीबन बन गई थी, फिर स्वामी का एक फोन आया, अगर वो राय हुआ तो हमारा काम नहीं बनेगा। अरे वो जगह बहुत अच्छी है, वेडिंग सेंटर के लिए एकदम सही है। प्रकाश है क्या? वो मेरा ही आदमी है। देखिए अगर आप मुझसे पूछोगे तो एक समस्या है, कोई भी बिजनेस आजकल सही नहीं चल रहा है। तो क्या करना होगा? जॉय से बात कीजिए। ये लो। नमस्ते स्वामी। हेलो जॉय। तुम कोझीकोड़े में नया ब्रांच खोलने जा रहे हो ना? वो राय जी ने जिस बारे में कहा था, हमें उसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, पर आपको उसे देखना होगा। आप अपने हिसाब से फैसला कर सकते हैं। वास्तु के हिसाब से उस जगह में कुछ प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम हुई भी तो आप चिंता मत कीजिएगा, उससे अच्छी प्रॉपर्टी हम आपको देंगे। एनीवे, हमें कब मिलना होगा? ये राय प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्या? हाँ, प्रॉब्लम होगी जिन्हें हमें झेलना होगा। कुछ लोगों को अपने नुकसान से ज्यादा चिंता इस बात की रहती है कि कहीं दूसरों को फायदा ना हो जाए। जयप्रकाश, तो आप मुझे चलना चाहिए। हाँ। मुझे थैली परम्बू जाना है। राज राजेश्वरी मंदिर के बारे में सुना है ना? मैंने उसके बारे में बहुत बार सुना है। तो मैं अब चलता हूँ। नाइस टू मीट यू। राजा राजेश्वरी जी, स्वामी और राय की रक्षा करना। हमें ये भी कमाना पड़ेगा। क्यों? और नहीं तो क्या। हाँ, एक स्वामी गया तो दूसरा आ जाएगा। ऐसे ही 4-5 घंटों तक पड़ा रहता है अगर इसने पी ली तो। अब ऐसी गंदगी यहाँ रहने तो नहीं दे सकता ना। अरे गोल्डी भैया, ये आप क्यों कर रहे हैं? हम संभाल लेंगे, सीएचएस काम के लिए है ना। आप उसे पीने ही क्यों देते हैं जब आपको पता है कि वो उल्टी करेगा? अरे ये तो बेचारा मासूम है, मैं ही इसका मुंह खोल के उसके अंदर डाल देता हूँ जबरदस्ती। इसे तो उसकी गंध भी पसंद नहीं है। आप इसे जबरदस्ती क्यों पिलाते हैं? अरे 2 पैक पीने के बाद ये गाना गाने जो लगता है, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा, नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा। मुझे इसका ये गाना बहुत पसंद है, जब भी मैं सुनता हूँ मुझे बहुत मजा आता है। अच्छा मुझे बताओ तुम्हारा प्लान क्या है? अरे भाई लेकिन पहले ये तो खत्म करो ना। ये रोज क्या है, तुम अपना काम बताओ। वो बात ये है भाई कि 21st पास आ रहा है। आने दो, इसमें डरने वाली क्या बात है, जो होगा देख लेंगे। वो मामूली आदमी नहीं है, वो बहुत खतरनाक है। ज्यादा दिन नहीं, बस 10 दिन और। अब बड़ी मदद हो जाएगी। नहीं हो सकता। जैसा हम सोच रहे हैं भाई वैसा हो नहीं रहा है। तुम्हें 25 लाख चाहिए? एडवांस वापस चाहिए क्या? नहीं। हाँ, अगर तुम 21 तारीख को 1 करोड़ नहीं दे पाए तो अपने 25 लाख भी भूल जाओ, मैं कोई और पार्टी उसी दिन ढूंढ लूंगा। वो हम एक जगह जा रहे थे तो ऐसे ही यहाँ पर आ गए हैं और कुछ नहीं। सीएचए, तो फिर हम 21 को मिलेंगे। उस दिन मैं तुमसे मिल पाऊंगा क्या? इंशाल्लाह। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। सीएचए, वो उसकी उल्टी क्यों साफ कर रहा पता है? नहीं, वो मार खाएगा। एक नंबर का कमीना। देखो हम उन चीजों पे आएंगे। महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं मैं और वकील। शहर के अंदर सारे बड़े शॉपिंग मॉल्स हमें खरीदते और बनाते हैं, बड़ा नेटवर्क है हमारा। अगर रीजनेबल प्राइस में हम उनके लिए प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो अच्छा कमीशन मिलेगा, गारंटी है मेरी। मुंबई से अगर ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा तो काम फटाफट होगा। जेन्युइन डीलिंग हो रही, कंपनी को ऐसा लगना चाहिए और काम हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ये तुम राइन और जॉय एसोसिएट में थे ना बहुत समय तक? कौन? हाँ, तुम्हारा मतलब राय और जॉय ना, हमने एक ही साथ शुरू किया था। मेरा पार्टनर सीएचए और मैं जो बहुत बड़े बड़े सौदे होते ना वही करते हैं बस। राय तो इस शहर के 5-10 सेंट में ही खेलता है,
आप कैसे रॉय और जॉय को नया काम करने से पहले मार्केट डिटेल्स का पता लगाना होता है और साथ ही साथ वहाँ के सबसे बड़े ब्रोकर का भी पता लगाना पड़ता है। वैसे तुम कितना मांग रहे हो? वो 1 करोड़ की जमीन, 1 लाख स्क्वायर फीट, 4 फ्लोर, 10 कार की पार्किंग, 95 करोड़। बहुत लोगों ने कहा है कि हम उस दाम पर सेटल कर लेंगे। ओके जयप्रकाश, कंपनी से आपको एक ईमेल आएगा और वही फाइनल ईमेल होगा, उसका इंतजार करिए। हाँ, देखिए अगर ये मंजूर हो गया तो तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम्हें कितना चाहिए, हम आपको दे देंगे। उसकी चिंता मत करो, जो भी चाहिए कंपनी दे देगी। हाँ, तो फिर मैं चलता हूँ। हाँ, तो हम लोग फिर मिलेंगे, मेन टाइम अगर बात सेटल हो गई तो हम लोग उसकी राह देखेंगे। आपने मेरी बहुत मदद की है उस वक्त जबकि मैं बहुत मुसीबत में हूँ। हाँ, मेरा जो भी है वो मैंने इस बिजनेस में डाल दिया है, बस ये परेशानी जल्दी से हल हो जाए। ओके, ऑल द बेस्ट। ओह, जाने से पहले उसने कितना बताया? 95 करोड़। डील पूरी हो गई तो वो कह रहा था कि हमें कमीशन देना होगा उसको। वो दे सकता है, अगर वो 85 करोड़ गोल्डी को दे देगा तो उसके पास 10 करोड़ बचेंगे। ये जो प्रपोजल देंगे उस पे निर्भर करता है, 100 करोड़ काफी होंगे उसके लिए। ये जयप्रकाश को कोई आर्थिक रूप से बैकअप दे रहा है क्या? मुझे तो नहीं लगता है, 3-4 दिन में 1 करोड़ उसे गोल्डी को देने हैं, नहीं तो वो 25 लाख खो देगा। अरे भाई, वो खतरनाक खेल खेल रहा है। क्यों ना हम उसे इस पूरे सीन से ही निकाल दें, हम उसे टिप दे देंगे, क्या बोलते हो? हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा, उसका एक रिश्तेदार है सुरेंद्र, हम लोग उससे मिले तो अच्छा रहेगा। देखो पप्पन के साथ हमें खेल खेलना पड़ेगा, हम उससे 85 करोड़ दे सकते हैं, पर उसे आराम से इस काम से बाहर फेंकने के लिए रैनी और जॉय का होगा। वो काम हमारा है और वो हम कर सकते हैं, जो दाम हम कहेंगे वो आपको मिल जाएगा। अब क्या बताएंगे कितना? रुकिए, समय पर बता देंगे। अगर प्रकाश इससे ज्यादा कमाएगा तो समझो मेरे बेटे ने ज्यादा कमाया है। ये इमोशनल डायलॉग है, आप प्रैक्टिकल होकर बात करो। पप्पन भाई ने छोटी सी मोहलत दी है, उसमें तुम 1 करोड़ का जुगाड़ कैसे कर सकते हो, ये मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। और अगर नहीं कर सकते तो 25 लाख रुपए हम तुमको देंगे। राय जी और मैं कितना चिंतित थे कि इसमें उसकी मदद हम नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहते हो सुरेंद्र? देखो भाई, मुझे भी कहीं से पैसे लाकर उसकी मदद करनी है, पर मुझे नहीं लगता है कि मैं कर पाऊंगा। हम भी जैसे यही पूछ रहे हैं। सुनो, 1 करोड़ लाने का कोई उपाय है? मेरे पास कोई उपाय नहीं है। तो अब हम क्या करें? गोल्डी के हिसाब से टोकन निकल जाएगा और हम हाथ मलते रह जाएंगे। कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव महेश सर यहाँ पर आए हैं। हम ये डील लेने के लिए तैयार हैं, उसके बदले में हम जयप्रकाश को एक गिफ्ट और सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है? मतलब कि 25 लाख तुम्हारे हाथ में आएंगे। सुरेंद्र, तुम भी उसे कुछ कहो ना। प्रकाश, ये काफी है ना? अरे भाई प्रकाश, ले लो। मिस्टर जयप्रकाश समझदार होंगे तो इस ऑफर को ठुकराएंगे नहीं। अरे ये बहुत समझदार है। क्या हुआ प्रकाश, जो तुम्हें मिल रहा है वो छोटा अमाउंट नहीं है, 25 लाख है। ये सिर्फ 25 लाख नहीं है, इसे आप अप्रोक्सीमेट फिगर समझ सकते हैं बस। नहीं, हम उतना ही देने को तैयार हैं। अरे भाई हाथ आगे करो और ले लो। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अगर सब मेरी मदद करना चाह रहे हैं तो फिर मेरे पास बोलने के लिए बचा क्या है? क्या बोल सकता हूँ मैं? सर, अब आप अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। तो तुम्हारे तरफ से हाँ समझे ना। और नहीं तो क्या? जॉय भाई, बिरयानी खाने के बाद जो बच जाती है उसे हम फेंक देते तो कोई जानवर खा लेता और हम समझते हैं कि उसका अच्छा वक्त है। यही बात आपने मुझे बताई, जो कि अच्छी बात नहीं है। 85 करोड़ में गोल्डी भाई से शॉपिंग मॉल खरीदने के लिए तुम लोग मेरे पास आए हो, है ना? हम लोग तुम्हारे पास नहीं आए। अगर हमें 85 करोड़ में खरीदी चीज़ 85 में ही बेचनी है तो फिर सौदे का कोई मतलब हुआ? अगर ऐसा हमने किया तो इसके बाद फिर हमारे पास भुखमरी के अलावा और क्या चारा होगा? तो आपके समझ में आया ना कि आप मुझे किस तरह का ऑफर दे रहे हैं? वैसा ही है जैसे बच्ची कुछ बिरयानी मुझे दे रहे हैं। सही कहा ना मैंने? मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन एक बात जानता हूँ जो कि बहुत ही कॉमन है। इसके लिए बहुत पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। कॉरपोरेट लॉ या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई भी मैंने नहीं की है, लेकिन एक बात पता है कि 10 रुपये में खरीदी हुई चीज़ 10 ही रुपये में नहीं बेचनी चाहिए। तो यहाँ पर मुझे एक बात तो अच्छे से पता चल गई कि कुछ लोगों को हमारी बहुत ही ज़्यादा चिंता है, बहुत ख्याल है हमारा। तो चलता हूँ।
सुरेंद्र। हाँ? मदद नहीं कर सकते तो भूल जाओ। अगर तुम्हारा हाथ उस तक नहीं पहुंच सकता जो गड्ढे में है तो कोई बात नहीं, पर उनका साथ मत दो जो गड्ढे में रेत डाल रहे हैं। सीचे चल। पेपर में खबर छपने वाली है क्या कि समंदर किनारे तीन लाशें मिली हैं? आगे एक खबर और छपेगी पेपर में कि वो तीनों लाशें जिंदा थीं, प्राण थे उनमें। तुम्हारे पास एक कूटी कौड़ी नहीं है पर मजाक करना नहीं छोड़ते। ऐसा लगता है बिना कोई खुशखबरी लेकर आई है। कैसी खुशखबरी? लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगा। जब हमारे पास पैसों की कमी होती है तब हम बीना की तरफ देखते हैं क्योंकि तब बीना ही कुछ कर सकती है। हाँ, वैसे बीना अभी भी बहुत कुछ कर सकती है। आओ, सुरेंद्र भाई कार में हैं। ओ, मैं नहीं आऊंगा। इतना भी क्या गुस्सा, चलो। हाँ वही, अब फोन रखता हूँ, अंदर आओ। आओ, क्या हुआ प्रकाश? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम मुझसे नाराज हो क्या? वो किस लिए? मैं तुम्हें इसलिए नहीं मना रहा था कि मैं तुम्हारा अच्छा नहीं चाहता, बल्कि इसलिए मना रहा था कि तुम्हारे साथ अच्छा होगा तो इसके साथ भी अच्छा होगा। छोड़ो ये सब। देखो, इस वक्त मेरे पास 50 लाख हैं और अब आगे क्या करना है वो तुम सोच लो। पीछे की सीट पर जो बैग है वो ले लो। सुरेन भाई, मुझे लग रहा है कि मैंने आधा समंदर पार कर लिया। अब आगे भी उतनी दूरी है जितनी पीछे। मैं आगे की तरफ ही जाऊंगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। आज 19 है, परसों 21 है। अगर मैं जाके गोल्डी से वापस मिलूं तो 50 लाख कैश और 50 लाख IDBI बैंक का चेक। ये काम नहीं करेगा। हे अल्लाह, 50 लाख और दिलवा दो। मिलेंगे, जैसे ये मिले वैसे वो भी मिलेंगे। बात करते समय अगर मोबाइल रिंग होता है ये सत्य होगा, ऐसा कहा जाता है। हेलो, कौन है? तुम कहाँ से कॉल कर रहे हो? कब पहुँचे? मैं यहाँ एक मुसीबत में हूँ। मैं बन जाऊँगा, मैं आऊँगा। ठीक है। कौन था? अशरफ, मस्कट से। उसके पास बहुत पैसा है, उससे मिलना है क्या? वो अशरफ के भेष में भी आता है, जाओ मिलो उससे। जब तीसरी भी लड़की थी तो मेरी बीवी गंभीर हो गई। फाइनेंस मैनेजमेंट पूरा उसने ले लिया, उसके पिता उसके साथ थे। अगर मैं 10 रुपए भी लेता तो वो मुझे किसी जमीन पर ले जाएगा। जब तक रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं होता बहुत टेंशन हो जाएगा। इस बार भी डील करने ही तो आया है। मुझे कोई रास्ता बताओ ना। तुम्हारे पास 50 है, तुम्हें और 50 चाहिए है ना? वक्त नहीं है। क्या तुम रिस्क लेने के लिए रेडी हो? मैं कोई भी रिस्क ले लूं, बताओ ना। ये फुल रिस्की है, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। तुम सोच लो कि तुम्हें और क्या करना है। मुझे बात तो बताओ। अगर तुम 50 दोगे तो तुम्हें 100 मिलेंगे। काला धन है क्या? वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकते हैं। मैंने बहुत देखा है, मैं डीलर को भी जानता हूँ, पर तुम्हें ये सब बड़ा सोच समझ के करना होगा। उन्हें इस बात का पता नहीं चलेगा, इसका क्या मतलब है? भले ही दो लिया हो
तुम्हें पता है ना कि केरला में कितना पैसा है, तुम इस बारे में सोचो, मैं यहीं पे हूँ। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें पार्टी के पास ले जाऊंगा। ब्लैक मनी, ऐसा मत करो, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। ये सोचो कि अगर हमने ये कर लिया तो फिर सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये बच्चों का खेल नहीं है। हाँ पता है, ये बच्चों का खेल नहीं, देश को धोखा देना है, पर ये हमने शुरू नहीं किया है। और एक बात और कि इस जगह पर लाखों रुपया है और वो रुपया हमारे हाथ से जा रहा है और तुमने और मैंने कई बार बिना जानकारी के उसे छुआ भी होगा। देखो तुम बेवजह में बहस कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि समस्या क्या है। मुझे पता है समस्या क्या है, पर और कोई उपाय नहीं है। जानते हो ना कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे। मैंने ये करने का सोच लिया है। मेनन सर, सुन रहे हैं आप इसकी बात? वो शकुनी के भेष में है जो जुआ खेलने के बारे में सोच रहा है। सच्चाई का यहाँ कोई काम नहीं है, सिर्फ जीत के लिए खेला जाता है। पर मेरी सलाह, इसे ये नहीं खेलना चाहिए। तुम जरा सोच के देखो, अगर पकड़े गए तो क्या होगा? IPC 489, अगर तुम पकड़े गए तो 7 साल की सजा हो जाएगी। मैंने सर, जब मैंने आधी दूरी पार कर ली तो मुझे वापस मुड़ने के लिए मत कहिए। ये खेल मैं तुम्हारे बिना खेलने के लिए तैयार हूँ, मैं वापस कभी नहीं आऊँगा। देखो तुम, इसका और कोई हल नहीं है। गाड़ी आ गई है। ये बक्सा गाड़ी में रख दो। हाँ, मैं चलूँ क्या तुम्हारे साथ? नहीं, तुम और सर यहीं पर इंतजार कर सकते हो। मुझे आने में रात हो सकती है और सुबह भी हो जाए शायद, लेकिन तुम कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने हाथ दो, अपना हाथ आगे करो ना। नींद नहीं आई, सुबह सोया। एक करोड़ बाप रे। गणेश, इसे गोनी से निकाल कर बक्से में डाल सकते हो। इस बोरी में क्या है जेपी भाई? हलवा है, काला हलवा। काला हलवा? वो तो डेल्टा से खरीदना पड़ता है ना। हैं? इतने सारे पैसे? बाप रे, कितना होगा इसमें? 1 करोड़, यानी 100 लाख रुपए। अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई परवाह नहीं, मैंने 1 करोड़ रुपए देख लिए हैं। पैसे है ना? पूरे 1 CR।
कहीं ये काला धन तो नहीं है? वही है। रिजर्व बैंक गवर्नर ये मान लेगा कि ये काला धन नहीं है, वरना इन पैसों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि गोल्डी भाई के घर में आ जाए। अरे रामू जी, आप गिनेंगे नहीं क्या? जी इसे लेके जाओ। अच्छा, मैं गिनूंगा बाद में। तो हम चलते हैं। रुको। मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं, मुझे तो ठंड लग रही है। हाँ, तेरा माथा तो पूरा ठंडा हो रहा है। तुम्हें समझ में आ गया? ये एक रस्सी से बना हुआ पुल है, पता नहीं कि उस पार पहुंचेंगे या नहीं। एडवांस के पैसे मिला के 1,25,00,000 मैंने तुमसे लिए हैं, और अगर ये तुम्हारे नाम पे है या तुम्हारे बताए गए किसी आदमी के नाम पे होगा तो वो 3 महीने के अंदर रजिस्टर करेगा। हम अब चलते हैं। तुम बहुत समझदार हो जयप्रकाश। मतलब जेपी। और हाँ, अगर पैसे बराबर नहीं हुए तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ठीक है। गोल्डी भाई है। गोल्डी भाई, तुम मुझे उल्लू मत बनाओ, समझ गए? क्या हुआ भाई? इसमें 1,000 का नोट कम है। हाँ, मैंने 2 बार गिनती की, दोनों बार कम आया। अच्छा, उसकी चिंता मत कीजिए आप, वो हो जाएगा। तुम्हें याद रखना होगा। वो मैं तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। कोई और समस्या है क्या? और क्या समस्या हो सकती है? मतलब वो 1,000 रुपए के अलावा और कोई समस्या है क्या? हाँ, मुझे लगता है तुम बहुत शुभ समय में आए हो। ऐसा क्यों भाई? मुझे एक पार्टी ने कॉल किया था गल्फ से, वो अभी भी मॉल के पास ही है। उसकी बातों से ऐसा लगा वो बहुत इंटरेस्टेड है खरीदने में। अगर बड़ा फायदा हुआ तो मुझे भूलना मत, किसी और को कमीशन मत देना, मुझे देना। आप वो बात जरूर दूंगा भाई। अच्छा, मैं फोन रखता हूँ। शॉपिंग मॉल में बायर्स वेट कर रहे हैं गल्फ पार्टी। अगर ये सौदा हो गया तो हम कोजी कोड़े के बड़े आदमी बन जाएंगे। सी एच है, चल चलते हैं। क्या कहते हैं सर? हमारे बीच ना ही ब्रोकर है और ना ही कमीशन। अगर तुम रजिस्ट्रेशन करते हो तो 94 करोड़ मिलेंगे। ओके, शुक्र है अल्लाह का। एग्रीमेंट रेडी करो, एडवांस कितना चाहिए बोलो। 50,00,000। ओके, 50,00,000 ब्लैक में मिल जाएंगे। बाकी पैसे के लिए फिक्र मत करना, मैं कल दुबई जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई भी बात करनी हो तो अरुण या श्याम से कर सकते हो। ठीक है, मैं करूंगा। और कुछ? जी धन्यवाद। तो मैं चलता हूँ। ड्राइवर गाड़ी चलाओ। शुक्र है।
ये लो सुरेन भाई। क्या है भाई, अब तुम बाहर मौज मस्ती भी करने लगे? तुम अच्छी तरह जानते हो कि माँ और पापा यहाँ नहीं है, नहीं तो तुम इस तरह बिंदास यहाँ पर नहीं आते। मुझे लगा था कि वो स्टेशन में नहीं होंगे, वरना आज मैं शादी करने की बात करने आया था। क्या कोई खुशखबरी है क्या? मैंने 9 करोड़ का मुनाफा कमाया शॉपिंग मॉल का सौदा करके। बहुत बढ़िया प्रकाश, यहाँ के सारे लोग तुम्हें नकारा समझते थे, लेकिन तुमने सबको गलत साबित कर दिया। बिना, ये लो सुरेंद्र भाई, इसमें पूरे 50 लाख। बाद में दे देना, मुझे अभी जरूरत नहीं है। नहीं, अब तक मैं दूसरों से उधारी लेता था, अब मुझे उनको वापस चुकाना है, और आप ही से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। एक और बाकी है, उनके भी चुकाने हैं, इसमें 25 लाख है। और पता है ना मुझे क्या करना है इनका? ये मुझे चुकाने हैं डॉक्टर शीला कोशी को। माँ पापा को फोन करके मैं बता देता हूँ कि मेरी बहन बिना के लिए एक अच्छा लड़का मिल गया है। भाई 2 MCB। सोडा? नहीं, बस उतना ही काफी है। JP और CHA को 10 करोड़ का फायदा हुआ है शॉपिंग मॉल से। आज मैं बहुत खुश हूँ, जिंदगी में उन्होंने बहुत तकलीफ झेली है। लगता है उनका अच्छा टाइम आ गया है। मैं मना नहीं करूँगा, वो जितना खुश है उतना मैं भी खुश हूँ। पुलिस स्टेशन कॉल करो। आइए सर, यही लोग, इनको स्टेशन लेकर जाओ। सर, सर जाओ, चलो। हाँ प्रदीप। JP, तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम हो गई है। तुम्हारे असिस्टेंट गणेशन को अरेस्ट कर लिया है नकली नोट के केस में। उसने 2000 रुपए का नकली नोट महारानी बार में इस्तेमाल किया था। आज वो बार में गया तो वहाँ पर स्टाफ ने पकड़ लिया। उसने कहा कि वो रुपए उसने तुम्हारे पैसों के बंडल से निकाला था। तुम्हें पकड़ने का CI का प्लान है। तुम रुको, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ।
पीछे तुम दोनों। हाँ? सर को लेकर रेलवे स्टेशन जाओ, सर को किसी भी ट्रेन में बिठा देना और तुम अपना मोबाइल ऑफ करके कहीं चले जाओ। और तुम? अब मैं खुद को इनके हवाले कर दूंगा। मैं क्यों कहीं जाकर छुपूं? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, उसमें मेरा भी हिस्सा है, तुम जानते हो। सीएचए तुम सबसे दूर रहो, मेरी बात मानो। नहीं, मैं जिम्मेदारी लेके तुम्हारे बदले में उनको अपने आप को हवाले कर देता हूँ। मरने के लिए जेल से बेहतर जगह है तुम्हारे लिए सर। इस गुनाह के लिए मैं अकेला जिम्मेदार हूँ, मुझे इसका सामना करना होगा। आप दोनों का इसमें कोई दोष नहीं, जल्दी जाओ ना, ज्यादा वक्त नहीं है तुम लोगों के पास। कब और कहां मुझे पता नहीं, हमें एक दिन मिलना होगा, अभी हम जुदा होते हैं। लेकिन मैं क्यों भागूं इससे? इस अपराध में मेरा भी तो हिस्सा है। हमारे पास परिवार है, कम से कम एक को तो उन्हें संभालना होगा। हमें हमारी किस्मत का सामना करना होगा, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। मेरा सपना था कि मैं रातों रात करोड़पति बनूं, पर मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वैसे चिल्ला क्यों रहे हो? यही हूँ मैं। अरे आज मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग है। आप नीचे आइए। मुझे नीचे बुला के खुद ऊपर चढ़ना चाहते हो? गोल्डी भाई, मैंने जो आपको 1 करोड़ रुपया दिया था वो आपने यहीं रखा है क्या? क्या 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 क्या? अरे उतना ही नहीं, मेरे पास घर पे काफी पैसे हैं, तुम बताओ बात क्या है। अगर पैसा यही है तो उसे कहीं और रखवा दो, वो नकली नोट है। नकली नोट? पापी, ये क्या कहा तुमने? मैंने कहा मैंने आपको नकली नोट दिए थे। गोल्डी भाई,
पुलिस मुझे ढूंढ रही है, मैं उन्हें यहाँ आने को कहूँगा और जब वो यहाँ आएंगे तो गोल्डी भाई आपको उन्हें 99,99,000 रुपए ओरिजिनल नोट दिखाने होंगे, वरना वो गिरफ्तार कर लेंगे। किसको? तुम्हें गिरफ्तार करेंगे, तुमने धोखा दिया है, मेरे साथ फ्रॉड किया तुमने। हाँ, लेकिन ये सब साबित करने के लिए कोर्ट में वक्त लगेगा भाई। सुनो भाई, पुलिस हम दोनों को गिरफ्तार कर लेगी और मैं गिरफ्तारी से बचने का रास्ता आपको बता रहा हूँ। मैंने जो आपको नकली नोट दिए था, आपको उनके बदले उन्हें असली नोट दिखाने हैं। मैं तुम्हें इन सब से क्यों बचाऊं? तुमने पाप किया है, तुम्हें भुगतना ही होगा। पुलिस को कॉल करो। नहीं, मैं ही करता हूँ। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है और मुझे 7 साल की सजा होगी। अगर मैं आपको मार दूंगा तो 5 साल और जुड़ जाएंगे उसमें। मुझे मजबूर मत कीजिए। मैंने ये गंदा काम किया क्योंकि तुमने मुझे धमकी दी थी कि तुम मेरे एडवांस के 25 लाख मुझे नहीं दोगे। मुझे कॉल करने दो पुलिस को जरा, तब समझ में आएगा तुम्हें मुझे बचाना होगा और इस काम के लिए जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन मुझे तुम्हें बचा नहीं होगा। चलो जल्दी करो, मैं जो कहता हूँ वो करो। ओरिजिनल नोट जल्दी से बक्से में रख दो और भूलना मत, निकालना 1,000 रुपये 1 करोड़ रुपये में से, ठीक है? हेलो कस्बा सीआई सर, मैं जयप्रकाश बोल रहा हूँ। आपने मेरे स्टाफ गणेश को हाँ सर, मैं गोल्डी भाई के घर पे हूँ। आप जल्दी से आ सकते हैं क्या, या फिर मैं स्टेशन आ जाऊँ? आप कहें तो मैं स्टेशन भी आ सकता हूँ। ठीक है, हाँ मैं यहीं वेट करूँगा। ठीक है। रो क्यों रहे? तुमने ये क्या किया धोखेबाज? रामू डोसा लाओ क्या? अरे डोसा नहीं, एक बड़ा पत्थर लेके आ, जा जाके एक बड़ी बोरी लेके आ। सुरेंद्र भाई मैं हूँ, एक समस्या आ गई। मैं जो कह रहा हूँ वो जरा ध्यान से सुनना, बहुत ही बड़ी मुसीबत है। ये पैसे गोनी में डाल के उधर स्टोर रूम में रख के आओ। ठीक है, लाइंस मीटिंग में नहीं जा रहे हैं। अब मुझे 1 करोड़ रुपए और तैयार करने होंगे, वो भी ओरिजिनल रुपए। हे भगवान। बहुत धोखेबाज देखे थे पर इसके जैसा नहीं। तुमने गोल्डी को पैसे दिए, वो मुझे देखने हैं। हाँ हाँ वो अंदर है, आइए। हाँ, सर थैंक यू। गोल्डी भाई बैठिए सर। नमस्ते सर। क्या ये बात सच है कि इन्होंने आपको 1 करोड़ दिए? हाँ दिए थे ना, आजकल तो हर जगह जाली नोटों का जाल फैला हुआ है। अरे रामू। नहीं नहीं, इसने तुम्हें 1 करोड़ किस लिए दिए थे? तुम दोनों के बीच में क्या संबंध है? इसने आपको बताया नहीं, शॉपिंग मॉल। इसने मुझे शॉपिंग मॉल खरीदने के लिए एडवांस के तौर पे दिया था। हाँ, लेकिन मैंने जो रुपए इनको एडवांस दिए वो मैंने लोगों से उधार लेके दिए थे। मुझे बुलाया क्या? हाँ, मेरे रूम में एक पेटी होगी, उसे जरा जल्दी से लेके आओ। तो वो गोनी क्या? मेरे बेडरूम में एक पेटी होगी, उसे लेके आओ, जल्दी करो। अच्छा, इसने जो पैसे मुझे दिए थे उसे गिना तो 1,000 का नोट कम था, इसलिए मैंने इसे फोन भी किया था। लीजिए पैसे भी आ गए। Thank you.
ठीक है, मैं पैसे लेकर के जा रहा हूँ, इंक्वायरी करके वापस कर दूंगा। आप अपना समय लीजिए और निगरानी कीजिए, हमारे लिए अच्छा होगा। हमें ओरिजिनल नोट और नकली नोट में अंतर समझ में नहीं आता। सुनो, पेपर पे साइन करा दो सर। ये ओरिजिनल है या नहीं, इसलिए इसकी एक इंक्वायरी और होनी है। आपको बताना होगा कि आपके पास ये पैसे कहाँ से आए जी, और उसके बाद फिर आईटी। ये पैसे मैंने दो लोगों से उधार लिए हैं सर। एक है मेरा दोस्त एनआरआई अशरफ और दूसरा है मेरा रिश्तेदार सुरेंद्र, वो बिग बाजार में होलसेलर है। गोल्डी भाई से अच्छे से जानते हैं। मैं जानता हूँ। तुम्हें स्टेशन आना होगा जब भी मैं बुलाऊं। ठीक है सर। गणेश का क्या होगा? मैं उसे रिमांड करूंगा। हमारी इंक्वायरी के बेस पे तुम उसे बेल से बाहर निकाल सकते हो। ओके हाँ, अगर ये ओरिजिनल है तो हम आगे जा पाएंगे। ये ओरिजिनल ही है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। ये ओरिजिनल वाला ही है ना? मैंने बस आपसे पूछा। एसी बेडरूम, ड्राइंग वाला घर, घास और फूल वाला बाग, पोर्च में चार कारें, पिंजरे में प्यारे प्यारे पंछी, गेट पे वॉचमैन। और हाँ, पीने के लिए सिंगल माल्ट विस्की या कोरिया, शर्ट और अंडरवियर ब्रांड वाले, दुबई में रेसिडेंस वीजा, और रात में जस्ट मनाने के लिए बहुत ही अमीर दोस्त, साल में तीन चार फॉरेन ट्रिप, वायनाड या मूनार में जमीन के टुकड़े और उसमें बंगला, मिनिमम तीन या चार ऐसे दोस्त हों जो मंत्री पद पर हों, पुलिस का बेहतरीन प्रोटेक्शन, बीवी से ज्यादा प्यार करना क्योंकि अफसोस है कि तुमने ट्रिप के दौरान एक धंधे वाले के साथ रात गुजारी। ये एक आम आदमी के जवानी के सपने हैं और यही सपने मेरे भी थे, लेकिन हो क्या रहा है, ये नकली नोट राख बनकर जल रहे हैं। मेरे पिता एक रबर कंपनी में काम करते थे। मेरी ये अय्याश जिंदगी उनके खून पसीने और मेहनत की कमाई की वजह से ही है। अगर मैं 10 रुपए भी खो देता हूं तो मुझे बहुत अफसोस होता है। तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे मैंने सोचा नहीं था। तुम्हारी वजह से पूरे 1 करोड़ रुपए मेरे बर्बाद हो गए। गोल्डी भाई, माय डियर कॉमरेड, तुम कुछ खो नहीं रहे हो बल्कि उल्टा तुम्हें लाभ होने वाला है। मैंने तुम्हें लिख के दिया था कि तुमने मुझे 1,25,00,000 रुपए दिए हैं और 1 करोड़ आग में जल रहे हैं। ये रहा वो कागज, ये सबूत है कि मैंने तुम्हें 1,25,00,000 रुपए दिए। ये क्या चेपी? देखो ये जल रहा है। अब ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। तुमने मुझे ये इमारत 85 करोड़ में बेची थी, जिसे मैंने सिद्धांत को 94 करोड़ में बेच दिया और एडवांस पे मुझे 50 लाख भी मिले थे। धोखेबाज। अब ये कागज मैंने यहाँ जला दिया है, मतलब मैं सौदे से हट गया हूँ, तो तुम्हारे सिद्धार्थ के बीच में सौदा शुरू होगा। अगर तुम एडवांस के 25 लाख भूल जाओगे तो तुम्हें 9,35,00,000 मिलेंगे, तुम्हें लाभ होगा, जबकि तुम ये सौदा पूरा करोगे 8.5 करोड़ रुपए। मुझे वो सब नहीं चाहिए, मुझे बस 84,75,00,000 रुपए दे दो, बाकी मुनाफा तुम रख लो। गोल्डी भाई, जेल के दरवाजे तक मैं पहुंचकर वापस आया हूं, तुमने मुझे बचाया है। वो पैसे उसी की खुशी में मैं अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ रहा हूं। मुझे प्यार करने वाली कोई है, मेरा दोस्त और मेरे परिवार के लोग। आज मैंने वो दरवाजा बंद कर दिया है जो दुनिया की दूसरी ओर जाने के लिए खुलता है। बस ये हुआ उसके साथ। ये एक अच्छे नौजवान की कहानी है।
समझ गए? हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। तुम्हारी बहन का क्या हुआ? अरे वो बहुत खुश है, उसकी शादी हो गई है। किसके साथ? उसी के साथ, और किसके साथ। अरे जल्दी करो ना, चलो चलो जल्दी लेकर जाओ ऊपर, चलो। हाँ जल्दी करो। हाँ चल ठीक है। मेनन सर की तरफ से आए हैं, वो मंगलापुरम से हैं। कस्तूरबा सेवा मंदिर, वो अनाथालय। वो अनाथों के लिए काम करते हैं। हाँ मेनन सर अब यहीं पे हैं, वो मुझे एक बार देखना चाहते हैं। हम वहाँ जल्दी आएंगे। ठीक है, जयप्रकाश पीडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्टर से हम मिले, ये हम उन्हें बता देंगे, उन्हें बहुत खुशी होगी। हम चलते हैं। ठीक। हम जानते थे तुम जरूर आओगे। निकलने में थोड़ी देर हो गई। हाँ देर हो गई, कल पूरी रात वो पूछ रहे थे कि तुम कब आओगे। हमें पता था जब वॉलंटियर्स ने उन्हें सुबह देखा था। क्या हुआ? आओ। वैष्णव जन तो तेने कही जे पीढ़ पराए जान रे। वैष्णव जन तो तेने कही जे पीढ़ पराए जान। इस विचित्र जिंदगी में किताब की तरह थे वो, और मुझे आधा हिस्से बताकर चले गए। शरीर को छोड़ अनंत यात्रा पर निकल गए। चार पांच एकड़ होगा ना? होना तो चाहिए। बड़े कर कितने का है? 20 लाख? 15 से 20 लाख तक। मोल तोल करके 18 कर सकते हैं। और कमीशन का क्या? 2.5 से 3 लाख? 3 लाख तक लेने की कोशिश तो करनी होगी। मरने वाले मेरे सर ने सारी जायदाद को जयप्रकाश के नाम कर दी है।
जो पता मेरे पास है उनसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं मिले। एड्रेस दिखाना। अगर जरूरत पड़ी तो पूरी इंडिया में ढूंढेंगे उसे। जय प्रकाश ब्रैकेट में जेपी, हम उसे ढूंढ लेंगे। प्रकाश लेगा जो उसे चाहिए और हम लेंगे जो हमें चाहिए। मुनीर बाइक स्टार्ट कर।